प्लेस तो कर ही लेते होगे ना, प्रॉब्लम कहाँ पर आती होगी? ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी ना, ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम आ रही होगी कॉलम के, राइट? तो ओरिएंटेशन आज पूरा का पूरा एकदम क्लियर कर देंगे आपका, स्टार्ट टू एंड पूरी तरीके से आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कैसे ओरिएंटेशन रखना चाहिए, तो एकदम परफेक्ट तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और कोई आएगा अभी? कोई लेट तो नहीं है? वेट कर लो, 1-2 मिनट वेट कर लो। वन प्लस नॉर, ठीक है? आज के बाद आपको ये पक्का हो जाएगा कि आपको ओरिएंटेशन में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? प्लेस तो कर ही लेते हो कि मुझे पता है। मोहित कर रहा है, मेरे पास भी फोन है, MI फोन। मेरे पास भी MI ही था भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है? मेरे पास एक आपको पता होना चाहिए, मैंने पूरा अपना जो इंजीनियरिंग स्टार्ट किया हुआ नोकिया के क्वाडी कीपैड आता था उसको चला के ही किया हुआ है। और उसके बाद जब मैंने जॉब किया, जॉब करने के 7 महीने बाद मैंने पैसे, 7 नहीं, 4 महीने बाद पैसे इकट्ठा करके चंडीगढ़ में खरीदा था Redmi 3S Prime, ठीक है? Redmi 3S Prime करके मोबाइल था, कुछ 7 हज़ार का था। बड़े मेहनत से, क्योंकि 12 हज़ार की जॉब थी, बड़े मेहनत से अरेंजमेंट किया था। तो डेफिनेटली यू विल गेट वन डे। कॉलम बीम बोथ, यस। बीम का भी सिंपल है, बीम का भी क्लियर कर देता हूँ। बीम का वो वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना, डेप्थ का, ठीक है? बीम का हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना डेप्थ का, कि डेप्थ हमेशा स्पैन वे 12 टू स्पैन वे 15 के बीच में होना चाहिए। सर मैंने डिप्लोमा में इसके मोबाइल पे निकाला। वेरी गुड। मेरे पास कार्बन का एक मोबाइल था, कार्बन का एक 1500 के 1600 का था। मेरा भी वैसे ही कुछ था, 12th और इंजीनियरिंग का 2-3 साल। तो सही सही नहीं हो रहा है। 12-2 से, ओके सर, 2 फोन से बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही होगी अभी। सर मैं योगी का टैबलेट से काम चला रहा हूँ। अरे काम भी चला ना, योगी टैबलेट तो फ्री का पाए हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? वो योगी जी का प्रसाद है, इंजॉय करो। हैंग करता है कि नहीं? मेरा भाई भी पढ़ा तो उसको नहीं मिला यार। हाउ द ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम इज डिसाइडेड, ठीक है? ध्यान से पढ़ना, आज का लेक्चर आपका जिंदगी बदल सकता है, ठीक है? आपको जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है? हम बोलोगे सर क्या बात है। हाउ टू पोजिशन ओरिएंट द कॉलम इन बिल्डिंग्स, ठीक है? फॉलोइंग आर द 3 पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कॉलम्स, ठीक है? कॉलम का ओरिएंटेशन डिसाइड करने के लिए 3 पॉइंट्स ध्यान में रख लो, ठीक है? जिसमें सबसे लास्ट पॉइंट सबसे मेन है, लेकिन क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट से ही स्टार्ट हो जाता है। बस एक चीज याद रखना कि इनके कॉलम के नंबर याद कर लेना। C1, C2, C3, C4 कहाँ है, बस ये देखते जाओ। C5, C6, C7, C8, C9। इसके ओरिएंटेशन को हमेशा बैलेंस करना होता है। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन को बैलेंस मतलब द डायरेक्शनल ऑफ द कॉलम शुड बी नियरली टू 60-40 रेशियो ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस हेल्प टू रेजिस्ट द लेटरल लोड ऑफ द बिल्डिंग्स इन ऑल डायरेक्शन। पहला नियम है कि आपको देखना चाहिए कि जो आपके कॉलम हैं उनकी बैलेंसिंग कैसे है, मतलब एक्स एक्सिस में कितने हैं, वाई एक्सिस में कितने कॉलम हैं, ठीक है? तो उनका जो बैलेंसिंग हो वो अगर 60 और 40 के बीच में हो तो अच्छा रहेगा। मतलब कि अगर 6 कॉलम जो है वो एक्स एक्सिस में है और 4 कॉलम जो है वाई एक्सिस में है, तो ये एक अच्छा रेशियो है लेटरल लोड को रजिस्ट करने का। लेटरल लोड मतलब फुटी सॉरी सेस्मिक कोर विंड को। 6 आपके किस में है, एक्स एक्सिस में है, ऐसे देखो C1, C2, C4, C3, C4, C7, ये एक प्रजाति के कॉलम है। दूसरे प्रजाति के कॉलम कौन से हैं, C6, C5, C8, C9। इनका ओरिएंटेशन अलग है और इनका ओरिएंटेशन अलग है। बैलेंसिंग देख रहे हो, 60 और 40 के बीच में आ रहा है क्या? आओ चलो आगे देखते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये ओवरऑल जब प्रोजेक्ट बन जाता है वहां पर इसको देखना चाहिए हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अगर चाहते हो कि अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन हो। एज यू कैन ऑब्जर्व इन द एबव ड्रॉइंग्स, कॉलम हैविंग देयर मेजर एक्सिस इन एक्स डायरेक्शन। मेजर एक्सिस किधर है, एक्स में है ना,
आप बोलोगे सर कैसे, ये देख लो, C1, C2, C4, C3, C7 ये सब किस में है, ये सब अब मैं सारी समझा दूंगा, डोंट वरी, बस थोड़ा सा इंतजार करो, हर एक कॉलम का प्लेसमेंट समझाऊंगा, ठीक है, एक एक का नहीं बताऊंगा, सब का बताऊंगा, बस थोड़ा सा 10 मिनट मुझे दो, ठीक है, 10 मिनट मुझे दो, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, 10 मिनट बाद नहीं समझ आया तब, ठीक है। C1, C2, C3, C4, C7 ये किस में है, सब के सब एक डायरेक्शन में है, ठीक है, और कॉलम हैविंग देयर इन मेजर एक्सिस इन वाई डायरेक्शन, C5 जो है, C5, C6, C8 और C9, C5, C8, C9, ठीक है, ये चारों किस में है, ये है आपके वाई डायरेक्शन में। तो अगर रेशियो देखा जाए इनका, तो अप्रोक्स रेशियो है 46:44, ठीक है, मतलब या फिर ऐसे बोल सकते हो 5:4, जो कि किसके अंदर आ रहा है, 60:40 रेशियो के अंदर आ रहा है ना, मतलब डन है। तो हमेशा बैलेंस देखना चाहिए, 60:40 का बैलेंस होना चाहिए आपके ओवरऑल ओरिएंटेशन में, ठीक है, एक्स में कितने हैं, वाई में कितने हैं, ऐसे। ये रहा पहला रूल, केवल इसी से फाइनल मत करो, एक सबसे छोटा रूल यही है। दूसरा रूल समझो, ठीक है, तीनों रूल समझ लेना, उसके बाद जो तीसरा है वो सबसे मेन वही है, ठीक है, बट तीनों रूल समझ लेना, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा रूल होता है, कभी कभी आपको आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना पड़ता है, ठीक, कभी कभी आपको आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू देखना, द स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट। आपको पता है कि हम हैवी कॉलम अगर बीच में लगा देंगे तो काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है, C2, C5, C8, C4 ये सब क्या है, ये सब हैवी कॉलम्स है। तो हैवी कॉलम लगाने से आपका बेनिफिट तो हो रहा है, क्यों बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इससे आपको मेजर आपको एक्सेस मिल जा रहे हैं C2, C4, C3, C5, लेकिन ये गंदा दिख रहा है ना, ठीक है, आप अपने प्लेन अपने खुद के प्लान को देखो, गंदा दिख रहा है ना। गंदा दिखने के अलावा अब ये जो C2 जो कॉलम है, इस समय जो कॉलम दिया हुआ है, ये B2 के भी कार्पेट एरिया को इफेक्ट कर रहा है, B1 को भी इफेक्ट कर रहा है, वॉल से ये बाहर निकला रहेगा, इधर से भी वॉल से बाहर निकला रहेगा, इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी, ठीक है, इधर से भी, ये सारे कॉलम के ओरिएंटेशन क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली मुझे पता है कि सेंटर में ज़्यादा लोड आ रहा है, लेकिन ये देखने में गंदा लग रहा है। तो आपको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा। याद होगा मैंने बोला था स्ट्रक्चर इंजीनियर को 5 चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए, पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है सर्विसबिलिटी, तीसरा है ड्यूरेबिलिटी, चौथा है एस्थेटिक, यहाँ पर एस्थेटिक को ध्यान में देना पड़ेगा, और पांचवा क्या है, इकोनॉमी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एज यू कैन ऑब्जर्व दैट अबव ड्राइंग्स, C2, C4, C5, C8 जो ब्लू कलर के हैं, इंट्रोड्यूस इन टू द रूम स्पेस ऑफ द बिल्डिंग्स, कहाँ ये अंदर जा रहे हैं, रूम स्पेस के अंदर जा रहे हैं, फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू डिजाइनिंग दोज कॉलम्स माइट बी इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल, ठीक है, व्हेन यू ऑब्जर्व, ठीक है, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, ठीक है, व्हेन यू ऑब्जर्व दोज कॉलम्स फ्रॉम एन आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू दे आर नॉट एस्थेटिक अपीलिंग, ठीक है, देखने में ये अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इसलिए ऐसे कॉलम्स को हमको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, यूजुअली टू सेटिस्फाई द स्ट्रक्चरल एज वेल एज आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट, ठीक है, दोनों ही रिक्वायरमेंट आपके सेटिस्फाइड होने चाहिए। कॉलम्स आर डिजाइन टू हैव द विड्थ ऑफ द वॉल, ठीक है, यूजुअली कॉलम्स आर ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट फॉल्स इन द लाइन ऑफ द मेजनरी हैविंग नो ऑफसेट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। अब स्टार्ट हो रहा है सबसे मेन रूल, इसको पढ़ने के बाद शायद क्लियर हो जाएगा आपका पूरी तरीके से। थर्ड रूल हमेशा याद रखना है, और यह हर जगह चलता है, यही रूल मैं पहले भी आपको पढ़ाया था, बट शायद कम समझ में आया, इसलिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। द सेक्शनल लेंथ ऑफ द कॉलम शुड बी द मेजर एक्सिस इन अ इन अ प्लेन ऑफ द बिल्डिंग्स, क्या द सेक्शनल लेंथ ऑफ द कॉलम शुड बी द मेजर प्लेन ऑफ द बिल्डिंग्स, दिस हेल्प टू इनहेंस द मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम्स, समझो, द सेक्शनल लेंथ ऑफ द कॉलम शुड बी द मेजर प्लेन ऑफ द बिल्डिंग, दिस हेल्प टू इनहेंस द मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम्स। आइए ध्यान से समझते हैं, अब यहां पर अब वही बात हो रही है जो हम लोग मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पढ़े हैं, ठीक है। आइए एक बार फिर से बोलूंगा, आप जस्ट जो को प्लान है आपके सामने इनके पोजीशन से याद कर लेना, ठीक है। जो C1 है, C2 है, C3 है, C4 जितने कॉलम है कहां कहां है देख लो,
आपने बोला सर देख लिया। देखो कॉलम लगाने का मैंने मेथड क्या पढ़ाया हुआ है आपको, मैंने मेथड पढ़ाया हुआ है मेजर एक्सिस की तरफ C3 को देखो पहले। C3 में देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने क्या पढ़ाया हुआ है आपको, मेजर एक्सिस की तरफ आपका डेप्थ जाना चाहिए, आप बोलोगे यस सर। माइनर की तरफ आपका विड्थ जाना चाहिए, आपने बोला यस सर। तो देखो मेजर कितना है 5 मीटर और माइनर कितना है 2.5 मीटर। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि किधर जाएगा कॉलम का ओरिएंटेशन, 2.5 की तरफ। आपने बोला सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सॉरी उल्टा बोल दिया, 5 मीटर की तरफ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। C9 को देखो, मेजर एक्सिस है 5 मीटर, माइनर कितना है 4 मीटर, किधर जाएगा 5 मीटर की तरफ जाएगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है C3 को देखो, ठीक है C3 में क्या देखना है, C3 का देखो C3 किससे अटैच है, B1 से और B3 दो बीम से अटैच है ना, और B1 है 3.5 मीटर, B3 कितना है 4 मीटर। सीधा सा कॉन्सेप्ट है B3 की तरफ उसका डेप्थ होगा क्योंकि मेजर कौन है B3 है। आपने बोला सर यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होती है, फिर कहाँ दिक्कत होती है, आओ C1 में देख लेते हैं। C1 में देखो क्या होता है, C1 में आपका यहाँ पर किससे अटैच है, B1 से अटैच है C1 और B4 से अटैच है। B1 है 3.5 मीटर और B2 कितना है, और सॉरी B4 कितना है 2.5 मीटर। सीधी सीधी बात है कि मेजर कौन है, मेजर है 3.5 और माइनर कौन सा है 2.5। तो आपको क्या कंफर्म करना है भाई, जिधर मेजर है उधर की तरफ चले जाना है। आपने बोला सर यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होती, फिर दिक्कत कहाँ होती पता है, दिक्कत होती है आपको C2 में, जब कोई 20 से परपेंडिकुलर लाइन आ जाती है, मैंने पढ़ाया था ना, तब आपको दिक्कत हो जाती है। तो इसी को समझ लो, C2 को कैसे निकालते हैं, C2 किससे जुड़ा हुआ है, तो ध्यान से देखो C2 जुड़ा हुआ है B2 से और B1 से और B4 से। किससे जुड़ा हुआ है C2, B2 से, B1 से और B4 से, राइट। आपने बोला हाँ, तो अब B1 और B2 सेम एक्सिस पर है, B1 और B2 सेम एक्सिस पे है, तो क्या करना चाहिए, इसका जब एक्सिस निकालते हैं तो हमेशा जो सेम एक्सिस पर आता है उसको एक दूसरे से माइनस कर देते हैं, एक दूसरे से माइनस कर देते हैं। ध्यान समझना, सारा ट्रिक यहीं पर है। ठीक है अब देखो B2 कितना है 5 मीटर है, B1 कितना है 3.5 मीटर है, तो 5 में से 3.5 माइनस करो कितना आएगा, आपने बोला सर 1.5 आएगा, बिल्कुल सही बोला आपने। और किससे अटैच है C2, C2 अटैच है B4 से, C2 अटैच है B4 से, तो B4 कितना है 2.5 मीटर। अब आप खुद सोचो 5 में से 3.5 माइनस कर दिए कितना आया 1.5, 1.5 बड़ा है कि 2.5 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर क्या बात करते हो 2.5 बड़ा है, मतलब मेजर कौन सा हो गया B4, डेप्थ किधर चला गया B4, क्लियर। ठीक है आपने बोला सर क्लियर तो हुआ, थोड़ा और बता दीजिए एक बार, तो आओ C4 से बात कर लेते हैं। तो C4 से अगर बात करोगे तो C4 किससे जुड़ा हुआ है, अगर देखो तो C4 जुड़ा हुआ है B4 से, B3 से, किससे जुड़ा हुआ है B4 से और B3 से, उसके अलावा B2 से भी जुड़ा हुआ है। अब B3 और B4 सेम एक्सिस पर है, तो जब सेम एक्सिस पर रहेगा तो क्या करेंगे, B3 को B4 से या फिर B4 को B3 से, चाहे जिसको चाहे जिससे माइनस कर दो। तो B3 है 4 मीटर और B4 है 2.5 मीटर। आप बोलोगे सर किधर से देखे, आप इधर कॉर्नर से आप वैल्यू देख सकते हो। ठीक है V3 कितना है 4 मीटर और B4 कितना है 2.5, माइनस करो कितना आया 1.5, कितना है माइनस 1.5, तो ये क्या हो गया कम हो गया ना, तो 1.5 जब कम हो गया तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये B2 ज्यादा है, कितना है 5 मीटर, तो जो ज्यादा रहेगा डेप्थ किधर चला जाएगा, ज्यादा की तरफ चला जाएगा, तो आपका डेप्थ किधर आ गया B2 की तरफ आ गया। थोड़ा और क्लियर हुआ होगा, ठीक है और अच्छे से देख लो, आओ C2 C8 से बात कर लेते हैं। C8 किससे जुड़ा हुआ है, C8 जुड़ा हुआ है B1 से और B2 से और B4 से, किससे जुड़ा हुआ है B1 से जुड़ा हुआ है, B2 से जुड़ा हुआ है और B3 से जुड़ा हुआ है। B1 और B2 सेम एक्सिस पर है, सेम एक्सिस मतलब समझ रहे हो ना, एक ही लाइन पर है, तो B2 को B1 से माइनस कर दो, तो 5 में से 3.5 माइनस के कितना आया 1.5, तो जब 1.5 आया हुआ है तो अब सामने वाला कौन है, सामने वाला B3 है, तो 4 मीटर है, तो ये ज्यादा अमीर है, तो इसके तरफ चला गया कॉलम का डेप्थ। तो मतलब मेजर एक्सिस किधर चला गया, मेजर एक्सिस चला गया आपका B3 के तरफ। आपने बोला सर ये भी क्लियर है, ठीक है अच्छा थोड़ा और डाउट आया होगा, आओ C6 से बात कर लेते हैं, शायद और क्लियर हो जाए। C6 किससे जुड़ा हुआ है, C6 जुड़ा हुआ है B3 B4 जो कि सेम एक्सिस पे है और साथ ही साथ B1 से जुड़ा हुआ है, तो आपने बोला यस। तो देखो यहाँ पर अब आपका जो क्या इसमें जो B4 है और B1 है,
और बी थ्री, तो बी थ्री है 4 और ये है 2.5, माइनस करो कितना आया 1.5, और बी वन कितना है 3.5, मेजर एक्सिस कौन है 3.5, तो डेप्थ किधर आएगा 3.5 की तरफ आएगा। अब शायद काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मजे की बात आती है बीच वाले में, ठीक है। बीच वाले में क्या है, बीच वाला जुड़ा C5 किससे जुड़ा हुआ है, C5 जुड़ा हुआ है B1 से, B2 से, और इधर B3 से, और इधर B4 से, चार चार तरफ से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, ऐसे एक्सिस में हमें देखना चाहिए B1 और B2 किस में है, सेम प्लेन पर है। मजे की बात ये है कि B1 है 3.5 और B2 जो है वो 5, तो 5 में से 3.5 माइनस किया तो कितना आया 1.5। अब देखो अगला मजा फिर कैसे है, B3 और B4, तो B3 कितना है, B3 है 4 मीटर, और B4 कितना है 1.5, 2.5, तो 4 में से 2.5 माइनस किया कितना आया 1.5। ये क्या हो गया, B1 B2 को भी माइनस किया तो 1.5 आया, और क्या बोलते हैं ये B3 और B4 को माइनस किया तो भी 1.5 आया, मतलब इसमें दोनों तरफ से 1.5 आ गया। अब मजे की बात ये है कि जब दोनों तरफ से 1.5 आ गया तो सर डेप्थ कैसे क्लियर करें, तो इस समय पर आपका डेप्थ न्यूट्रल हो गया है, मोमेंट न्यूट्रल हो गया है, आप चाहे जिधर ओरिएंटेशन रख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, बट रूल ये बोलता है कि जिधर की तरफ ज्यादा कॉलम के एक्सेस है उधर की तरफ ओरिएंटेशन दे दो उसका, तो ज्यादा किधर की तरफ है, ठीक है। ज्यादा ऑफकोर्स आपके इधर की तरफ, मतलब कि एक्स एक्सिस की तरफ ज्यादा पार्टीशन आ रहा है। प्लस यहां पर एक चीज और देखना चाहिए हमें, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम यहां रख रहे हैं कहीं हमारे वॉल के बाहर तो नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल हो गया है ना, अब आप उसको कैसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो अगर कहीं हमारे वॉल के बाहर तो नहीं दिखेगा, अगर दिखे तो गंदा दिखेगा, तो यहां पर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना चाहिए कि किस व्यू में रख दूं। अगर ये आपने रख लिया माइंड में तो आपका एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि यही रूल सबसे बेहतरीन रूल होता है, आसान रूल होता है, मतलब कुल मिला के। वैसे ये जो है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हर जगह काम नहीं करेगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ G+5 G+8 तक अच्छे से काम करता है, उसके बाद क्योंकि बहुत ढेर सारे अलग अलग डायनेमिक्स प्रेशर पड़ने लगते हैं ना, तो सीयर वॉल कहीं लगाना पड़ जाएगा कहीं के, लेकिन बेसिक रूल यही रहेगा वहां पर भी, ठीक है। आओ ध्यान से समझते हैं इस चीज को फिर से। अगेन इन योर माइंड रेज द क्वेश्चंस, व्हाट डज दैट मीन, मतलब ये जो मैंने पढ़ा है इसका क्या मतलब है, आओ देखते हैं। C1, बस याद रखना पोजिशन सबका, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9, बस इतना याद रखना, बस आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। कॉलम C1, एज यू ऑब्जर्व द ड्रॉइंग्स, C1 सपोर्ट विद किससे जुड़ा हुआ है, B1 और B4, B1 ये है, B4 ये है। स्पैन ऑफ द B1 कितना है, 3.5 मीटर है। स्पैन B4 कितना है, ठीक है, B4 है आपका 2.5 मीटर, क्या है 2.5 मीटर, तो मेजर कौन सा है, मेजर है 3.5, तो स्पैन किधर की तरफ जाएगा, मेजर की तरफ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही मैंने किया हुआ है, देखो ये मेजर मतलब ज्यादा वाला, माइनर मतलब छोटा वाला, ठीक है। सो मेजर एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड बी ओरिएंट एट द कॉलम विद अलाइनमेंट विद B1, ठीक है, B1 की तरफ चला गया। अब बात करते हैं C2 का, C2 किससे जुड़ा हुआ है, C2 जुड़ा हुआ है क्योंकि C2 मिडिल में है ना, तो C2 जुड़ा हुआ है B1 से, B2 से, B4 से, किससे जुड़ा हुआ है, B1 से, B2 से और B4 से। बट मजे की बात यह है कि हेंस B1 एंड B2 आर इन द सेम एक्सिस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन होगा, याद आ जाना चाहिए तुमको, क्या याद आना चाहिए तुमको, देयरफॉर द नेट मोमेंट अलोंग द एक्सिस इज जनरेटेड बाय डिफरेंस ऑफ B1 एंड B2। यहाँ पर मोमेंट जब जनरेट किया जाएगा वो किसे, B1 और B2 के डिफरेंस से। तो B1 कितना है 5 है, B2 कितना, बीम, B1 मतलब बीम, ठीक है, B2 कितना है 3 है, माइनस किया कितना है 2 मीटर आया, और जो बीच में जुड़ा हुआ है B4 वो कितना है 2.5, तो ज़्यादा कौन है 2.5, डेप्थ किधर जाएगा 2.5 की तरफ जाएगा। द मोमेंट इज क्रिएटेड B4 विल बी ग्रेटर, तो B4 जब ज़्यादा है तो उसके तरफ क्या कर देंगे, डेप्थ कर देंगे, ठीक है। सो मेजर एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड बी ओरिएंटेड द अलाइनमेंट ऑफ द B4। अब बात करते हैं C3 का जो कॉर्नर पे है, तो C3 में देखोगे तो B2 और B4 दो से जुड़ा हुआ है C3, आपने बोला यस सर, तो स्पैन ऑफ B2 कितना है 5 मीटर है और B4 कितना है 2.5,
मैं क्या बोलूँ, आपको खुद ही क्लियर हो चुका है कि बी टू की तरफ ओरिएंटेशन जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बी टू ज्यादा है। बात करते हैं सी फोर का, तो सी फोर किधर है, सी फोर जुड़ा हुआ है तीन से, बी टू बी थ्री बी फोर, बट मजे की बात यह है कि बी थ्री और बी फोर जो है वो सेम एक्सिस पे है, इसलिए क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, बी टू है 4 मीटर, बी थ्री है 4 मीटर, बी फोर है 2.5 मीटर, तो क्या होगा, एक दूसरे को माइनस कर देंगे, जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 मीटर आ जाएगा, जो कि छोटा है और 5 मीटर बड़ा है, बी टू बड़ा है, तो ओरिएंटेशन किधर जाएगा, बी टू की तरफ चला जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर से समझाते हैं, सी फाइव को देख लो, ठीक है, सी फाइव में देखो, यहाँ पर सी फाइव इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी फाइव है मिडिल में, ठीक है, बाकी तो आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। सी फाइव सपोर्ट ऑफ द बीम बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, चार से जुड़ा हुआ है। मजे की बात यह है कि हेंस द बी वन एंड बी टू आर इन द सेम एक्सिस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड द नेट मोमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इज जनरेटेड बाय द डिफरेंस ऑफ बी वन एंड बी टू। तो बी वन कितना है, 5 मीटर है, बी टू कितना है, 3.5, तो कितना आ गया, बी वन बी टू का डिफरेंस आ गया 1.5, ठीक है। और उसके बाद द मेन बीम, द बीम्स बी थ्री एंड बी फोर आर इन द सेम वाई एक्सिस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो फिर वही, फिर से इनके साथ भी नियम लागू, तो बी थ्री में से बी फोर को माइनस कर दो, कितना आ गया 1.5। द मोमेंट क्रिएटेड बी वन प्लस बी टू इक्वल टू बी थ्री प्लस बी फोर, दोनों ही बराबर आ गए ना, तो अब क्या करोगे, नाउ व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन, अब आपके दिमाग में आएगा आप क्या करें, यू कैन ओरिएंट द कॉलम इन एनी डायरेक्शन एज एन इक्वल मोमेंट इज क्रिएटेड, आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो एज पर आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट ठीक है, अगर आपको सोच लो कि नहीं सर एनी कैसे करते हैं, कुछ रूल बता दीजिए, तो रूल इसका बस छोटा सा आप ये रख सकते हो कि बट टू सेटिस्फैक्ट्री डायरेक्शनल रेशियो, ठीक है, आप देखो कि 60-40 किधर से मेंटेन हो जा रहा है, ठीक है, किधर रख दूं कि 60-40 का रेशियो मेंटेन होगा, ठीक है, अगर उसको मैं अब इस रोटेट कर देता तो एक्स एक्सिस में बहुत ज़्यादा हो जाता कॉलम, वाई में कम हो जाते, तो कि देखो कि किधर कम पड़ रहा है, 60-40 किधर से मेंटेन हो सकता है, उस एक्सिस में रख दो। इस प्लान में 60-40 कंडीशन वन जो हमने पढ़ा है ऊपर, द मेजर एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड बी कीप इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में रखा तो 60-40 का रेशियो मेंटेन हुआ, समझ रहे हो, मतलब ये देखो कि किधर की तरफ कम ओरिएंटेशन गया हुआ है उधर की तरफ डाल दो, लेकिन ये देखते रहना कि आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि वो प्राइमरी है, ठीक है। आपने बोला सर ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया तो सबसे मैंने यही वाला है, यस 60-40 मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से करते हैं जिससे कि अच्छे से ट्रांसफर हो जाए, वेरी गुड, ठीक है। अब बात करते हैं सी सिक्स का, आई डोंट थिंक बात करने की जरूरत है बट फिर भी बता देता हूं। कॉलम सी सिक्स सपोर्ट द बी वन बी थ्री एंड बी फोर, हेंस बी वन एंड बी थ्री बी सॉरी बी थ्री एंड बी फोर आर द सेम एक्सिस बट इन अपोजिट डायरेक्शन, देयर फोर नेट अलोंग This axis is generated. B3 and B4 difference में है 1.5, B1 है 3.5, depth चला जाएगा 3 point की तरफ, ठीक है 3.5 की तरफ। The moment created by B1 is greater than B3 and B4, ठीक है, so major axis किधर चला गया, B1 की तरफ, क्योंकि वो 3.5 है। बात कर लेते हैं C1 की, तो C1 क्या है, कॉलम्स C7 support सपोर्ट द बीम बी थ्री एंड बी फोर, तो स्पेन ऑफ द बी थ्री कितना है 4 मीटर है और स्पेन ऑफ बी वन कितना है 3.5 मीटर है, देयर फोर द मोमेंट क्रिएटेड बाई बी थ्री इज ग्रेटर देन बी वन, सो मेजर एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड बी ओरिएंट एट द अलाइनमेंट विथ बी थ्री, क्या बी थ्री की तरफ होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लास्ट का कॉलम सी एट, वैसे आई थिंक सब आपको समझ में आ गया, बी वन बी टू बी थ्री तीन है, तो B1 और B2 क्या है सेम एक्सिस पे है, मतलब माइनस हो जाएगा 1.5 आ जाएगा, B3 क्या है अलग एक्सिस है तो 4 मीटर आ गया, तो सीधी सीधी बात है B3 ज़्यादा है तो हमारा जो मेजर एक्सिस है वो कॉलम का किधर जाएगा B3 की तरफ जाएगा। लास्ट कॉलम है आपका C9, सपोर्ट कर रहा है किससे B2 से और B3 से, तो स्पैन किधर की तरफ जा रहा है आपका, B2 जो है वो 5 मीटर है, B3 4 मीटर है, अब इसमें क्या सोचना, जो 5 है उसके तरफ डेप्थ चला जाएगा, तो ये आपका 5 ज़्यादा हो गया, so the major axis of column should be alignment with B2।
आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, समझ आया कि नहीं? ठीक है, बट याद रखना इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैविंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट जहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, सेवरल अदर फैक्टर आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू डिजाइन द कॉलम ओरिएंटेशन, बट एम यही रहेगा, ओरिएंटेशन यही रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई है कि जहाँ पर शियर वॉल आ रहा है कुछ इफेक्ट हो सकता है, कुछ चेंज हो सकता है, कहीं पर कोई एक्सिस फेल हो रहा है वहाँ पर उसका ओरिएंटेशन पास करना पड़ सकता है। और ये जितने रूल्स बताए हैं ये हमेशा 100% हर जगह चलेंगे, बस इतना याद रखना कि जहाँ पर आर्किटेक्चरल व्यू को डिस्टर्ब करे ये रूल वहाँ पर चेंज भी कर देना है। ठीक है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि नहीं यार अगर यहाँ पर दे दिया तो ये बाहर की तरफ आ जा रहा है, एक दो कॉलम में अगर आर्किटेक्चर व्यू खराब हो रहा है तो तुरंत उस आर्किटेक्चर व्यू को पहला प्रिफरेंस दो, स्ट्रक्चर व्यू को बाद में। ठीक है, अगर खराब नहीं हो रहा है तो यही रूल हमेशा हर जगह पर रखना है। कमेंट करके बताओ कॉलम ओरिएंटेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कॉलम ओरिएंटेशन क्लियर हुआ कि नहीं, सभी लोग कमेंट कर बताओ। एक एक लोग, किसी को नहीं समझ आया बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। कल मैंने बोला था मैं आपको सबको क्लियर करूंगा, इसलिए मैंने बताया। अभिजीत, अमित, मोहित, सभी लोग बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। सुभाषिश को क्लियर हो गया, वेरी गुड। ठीक है, जसप्रीत आप बताओ, विनीत को क्लियर हो गया, ठीक है, काफी हुआ सर क्लियर, ओके जसप्रीत को ये हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया सर डीपली, वेरी गुड। ठीक है, सभी लोग कमेंट करो सो दैट कि आई कैन गेट आइडिया। जिसको थोड़ा भी मिस्टेक लग रहा है या मतलब कि लग रहा है कि भी थोड़ा और डाउट और है तो पूछ लो ओके। ठीक है, इस तरीके से रखना, कभी भी आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉलम ओरिएंटेशन में। ठीक है, चलो हाँ अमन बोलो। हेलो हाँ अमन बोलो। सर, जो ये कॉलम ओरिएंटेशन में जैसे यहाँ तो हमारे पास सिमेट्री थी, जैसे आपने ये एग्जांपल दिया है, करेक्ट, ज्यादातर तो रियल प्रोजेक्ट्स में सिमेट्री नहीं रहती। जैसे कोई प्रोजेक्ट बताओ। जैसे कोई बीम जैसे इस एंड से जा रही है तो दूसरे एंड तक वही बीम जा रही थी इसमें, लेकिन ऐसे होता है कि एक बीम इस स्पैन में जाती है, फिर दूसरी दूसरे स्पैन में वो थोड़ी सी हट जाती है, आगे पीछे हो जाती है, फिर अगले स्पैन में बीम सीधी नहीं जाती, मतलब कोई भी बीम। सीधी ना जाए ना, लेकिन मेजर माइनर तो रहेगा हर में ना, कोई भी कॉलम अच्छा में अच्छा दो बीम तो जुड़ी रहेगी ना, अच्छा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे है कोई मतलब। प्रॉब्लम नहीं, जो उसका एक्सिस है वो जोड़ेंगे। अच्छा ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। अच्छा सर, इसमें दूसरी ये था डाउट सर कि ये जो डिस्टेंस है राउंड फिगर में नहीं आते हमारे, जैसे कोई आता है 5 2 4 3 4 9 1 8 ये तो कैसे होता है, ये जैसे। इसको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता है, मतलब एक रैंडम कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर भी तो देखो 3.5 है ना, तो ये जरूरी नहीं कि आप 3.56 है तो उसको कंसीडर करो, आपको देखने से ही आइडिया लग जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। ठीक है, लेकिन कैलकुलेट सर नहीं करना है। रियल प्रोजेक्ट्स में तो सर ये जैसे ज्यादातर राउंड फिगर में रहते हैं, जो हम देखते हैं प्रोजेक्ट्स के 4.5 5 मीटर 3 मीटर 6 मीटर, लेकिन जब हम ओरिएंट करते हैं तो ये आते नहीं इस तरह से फिगर। ओरिएंटेशन इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पर जो ये दिया गया है, ये दिया गया है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पेसिंग, जो ये 3.5 देख रहे हो ये सेंटर के, तुम जो कैलकुलेट करते हो तुम सेंटर से कैलकुलेट कर रहे हो ना। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, ये इस बीम का साइज दे रहा है, इस बीम का साइज कितना है 3.5। ठीक, अगले बीम का साइज कितना है 5 है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि जैसे तुम सेंटर से अगर कैलकुलेट किया तो भी फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा, मेथड सेम ही रहेगा, बस अंतर ये हो सकता है कि आपका 2.346 हो सकता है ना। ठीक है, तो हम ठीक 2.34 को ना कंसीडर करके 2.3 को याद कर लो बस। नहीं सर, ये तो इस ये कॉन्सेप्ट तो लग जाएगा, इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी सर। मैं ये कह रहा हूँ ना, फाइनल देने में ये डिस्टेंसेस अगर कॉलम्स के बीच में, तो कोई ये तो नहीं बोलेगा कि ये गलत डिस्टेंस दिए, नहीं, क्यों आप राउंड बोलेगा, फिगर लेना चाहते हैं। नहीं, गलत क्यों बोलेगा, हम तो उसको पूरा साइज दे रहे हैं ना, परफेक्ट जो आ रहा है, एग्जैक्टली साइज जो आ रहा है। ठीक है, और हाँ तुम अगर उसको एक्चुअली क्या होता है, कॉलम लेआउट में डायमेंशन देना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायमेंशन देना इंपॉर्टेंट है बीम लेआउट में जो आपके सामने है। ठीक है, क्योंकि अच्छा वो अच्छा कैसे करेगा, वो बीम लेआउट के हिसाब से ही सारा काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सकते हो। अच्छा सर, एक प्रोजेक्ट में कल कर रहा था सर, उसमें क्रैक विड्थ सेटिंग्स नहीं आ रही आरसीडीसी में, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स में आई थी, ऑप्शन नहीं दिखा रहा था। कुछ गलत, देखो कैसे होता है, क्योंकि बाकी सारे में आ रहा है केवल एक में नहीं आ रहा है, मतलब कुछ हमारी मिस्टेक होगी ना। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अभी देखो कैसा होता है कि हम लोग करते रहते हैं, अभी मैं C5 C7 को C1 बोल दिया था, मिस्टेक तो मेरी थी ना। हाँ
सर एक ये लास्ट बता दीजिए सर, ये जब हम ये शेयर वॉल का डिजाइन करते हैं बाकी सबके साथ, तो सही तरीका क्या है सर? पहले सबसे पहले शेयर वॉल का पूरा डिजाइन कर लें, उसके नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबसे बाद? लास्ट में सीरवॉल डिजाइन अच्छा करना अच्छा चाहिए, क्योंकि सी आप सबसे अच्छा पहले कर लिए तो पूरा लैपटॉप हैंग करने लगता है, हाँ ठीक है, फिर वो करने और सारे एनालिसिस करने बहुत दिक्कत जाती है, सबसे लास्ट में सीरवॉल करना चाहिए। मतलब ऑटो लोड कॉम्बिनेशन और कंक्रीट डिजाइन के बाद, नहीं, उसके ऑटो भी लोड बाद? कॉम्बिनेशन के पहले करोगे ना, क्योंकि फिर अच्छा वो अच्छा लोड तो सब पे लगेगा ना, डिजाइन की बात कर रहा हूँ मैं, डिफाइन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफाइन तो पहले ही करना अच्छा पड़ेगा, अच्छा अच्छा ठीक है, डिजाइन लास्ट में करो, डिफाइन पहले कर दो, ठीक है चल गया। थैंक उन्होंने यू। बोला कि सर कॉलम का डेप्थ को और डेप्थ मेजर एक्सिस और विड्थ को माइनर एक्सिस के लिए, करेक्ट, ठीक, अगर किसी जेड हो तो जेड मतलब किधर, जेड किधर जाएगा, एक्स और वाई में ही ओरिएंटेशन होगा भाई, जेड में कैसे ओरिएंटेशन चला जाएगा, ओरिएंटेशन हमेशा एक्स में होगा, वाई में होगा, माइनस एक्स में होगा, माइनस वाई में होगा, अमित कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, बिल्कुल, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। अब बात करते हैं बीम लेआउट का, ठीक है, बीम के लेआउट का ऐसा कोई ऐसा मतलब एग्जैक्ट थंब रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, बीम के लेआउट का सीधा कॉन्सेप्ट होता है। हाँ अमित बोलो, हेलो हाँ अमित बोलो, सर, वो मैं ये कह रहा था, अगर जैसे एक्स एक्स और वाई के बीच में जैसे अगर काल जब प्लान सर होता हो, कोई जरूरी तो है नहीं कि एक्स और वाई डायरेक्शन में ही हो सर। मतलब फिर से बताओ, नहीं समझ पाया। मतलब कोई प्लान जैसे एक्स और वाई डायरेक्शन में, मतलब बीच में अगर हो, जैसे एक्स और वाई डायरेक्शन के बीच में अगर जैसे कोई लाइन जा रही है, वहां पर कॉलम कैसे प्रोवाइड करेंगे सर? बीच में मतलब मान लो कि तुम इस प्लान में बताओ कहां पर हो कॉलम, यहाँ पर जैसे सर, मतलब ये एक्स और वाई मतलब डायरेक्शन में हो ही ना, मतलब प्लान ही ना हो सर। ऐसा कैसे हो सकता है प्लान एक्स और वाई में ना हो, तब उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा ना, अगर एक्स और वाई में नहीं होगा तो उसको सीधा तो एज्यूम कर सकते हो ना कि इसको मान लो कि तुम्हारा 45 के एंगल पे है, ऐसे ही तुमको सोच रहे हो, यही सर कह रहे हैं सर। हाँ, तो अगर 45 के एंगल पे है तो उसको एज्यूम कर लो कि 90 पर अगर आएगा तो किधर एक्सिस होगा, ठीक है, 90 पर जैसे आएगा वैसा प्लान कर लो, फिर उसके बाद पूरी एक्सिस को 90 45 पर फिर से रोटेट कर दो, टेढ़ा हो जाएगा कॉलम, बस इतना संतर करेंगे, ठीक ओके है, सर, कॉलम का ओरिएंटेशन हमेशा जिधर की बाकी तरफ कॉन्सेप्ट जा, सर ना हाँ कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा, सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चले, चलो नेक्स्ट है आपका बीम, ठीक है, अभी आपको बीम समझना है, ठीक है, बीम का कोई थंब रूल्स एग्जैक्टली नहीं होता है, थंब रूल केवल होता है उसके डेप्थ का, विड्थ का जो होता है हमेशा, जो बीम का जो विड्थ होता है हमेशा कॉलम के विड्थ से कम होना चाहिए, बीम का जो विड्थ होता है वो कॉलम के विड्थ से कम होना चाहिए, चलो इनका भी डाउट ले लो, हाँ बोलो सुभाषिस, हेलो सर। हाँ सुभाषिस बोलो, अच्छा, ये बोल रहा था कि जैसे हम कॉलम प्लेसमेंट कर दिए, तो करेक्ट, उसके बाद जो हमारा बाथरूम रहता है, बाथरूम या टॉयलेट रहता है, तो वहां पे हम बीम ना दे के वहां पे सिर्फ पार्टीशन वॉल दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हो, पार्टीशन वॉल देते हैं, बट जब डिटेल ड्राइंग बनाओगे तो वहां एक हिडन बीम दे देना चाहिए, ठीक है, जब उसका डिटेल ड्राइंग बनाओगे तो उस वॉल के ऊपर? उस स्लैब के अंदर, ठीक है, जहां पर अच्छा वो अच्छा जो जो स्लैब की डिटेलिंग जब दोगे उस स्लैब की डिटेलिंग में हिडन बीम डाल दोगे, ठीक है, वो क्या करेगा, जो तुम्हारा अच्छा, बाथरूम वो के कैसे वॉल, डालते हैं सर? सिंपल एक बीम ड्रॉ कर दो ना स्लैब के अंदर, जो स्लैब अपना स्लैब की डिटेलिंग तो तुम्हारी आरसीडीसी निकाल के अच्छा देगी, या अच्छा फिर तुम खुद अच्छा भी दे सकते हो ना, तो स्लैब की डिटेलिंग में एक बीम डाल दो कि सिंपल, और डिनोट कर दो कि ये हिडन बीम है, वो अपने आप वो समझ जाएंगे क्या हिडन बीम है मतलब, ठीक है, तो हिडन बीम क्या करेगा, वो लोड नहीं आने देगा तुम्हारे स्लैब के ऊपर, प्लस अगर कोई G+1 G+2 है तो हिडन बीम नहीं भी डाले तो भी चल जाएगा, लेकिन कोई अगर G+6 G+7 जा रहा है तो वहां पर डाल देना अच्छा रहता है, ठीक है, उसको एनालिसिस भी करने की अच्छा जरूरत सर, नहीं है, वो ओके। अच्छा नॉर्मल अपने से डाल सकते हो आप डिटेलिंग में, सर, और चलो सर बोल रहा था कि जैसे आपने बताया है कि G+3 जब होगा और सिस्मिक लोड लगेगा, करेक्ट, तो हमारा जो कॉलम का विड्थ रहता है वो 300 मिनिमम रहता है, तो वहां पे थोड़ा सा तो आर्किटेक्चर भी उससे खराब होता है ना, थोड़ा सा तो अंदर आएगा अगर 9 इंच का वॉल रहा तो। थोड़ा चलेगा ना, अब वो तो उतना तो आना है ना, अच्छा वही, तो उतना तो चलेगा, अच्छा अच्छा लेकिन अगर पूरा का पूरा, अभी जैसे मान लो कि जिसमें रूम में बैठा हूँ ये 650 का कॉलम है, अब 650 ऐसे बाहर आ गया होता मेरे यहाँ तक तो गंदा लगता है ना, ठीक है, टू ये हाँ वही। 230 बाई 650 है, तो 230 ऐसे इधर मैनेज कर दिया, अब क्या हो रहा है, मैं ज़्यादा डिफरेंट नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना,
आपके बिल्ड में 230 बाय 650 है, हाँ हाई तो वैसे रजिस्ट्रक्चर, ले सकते हैं 230। हाँ ले सकते ना 230 आपने बोला ना 2 width 300 लेना पड़ेगा। एक्चुअली कैसा होता है, ये बहुत ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड मतलब कि G+5 G+6 है, ये 300 तब लेते हैं जब डक्टाइल डिटेलिंग करते हैं। जिस बिल्डिंग का आपने डक्टाइल डिटेलिंग नहीं किया हुआ है उसको आप 250 ले सकते, 230 ले सकते हो। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या डक्टाइल करते हैं, मीन्स सिस्मिक। हाँ नहीं सेस्मिक नहीं, डक्टाइल डिटेलिंग्स जो क्रैक अच्छा विड्थ जो चेक करते हो RCDC के अंदर, ठीक है, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 300 की। और जनरली अच्छा जो रेजिडेंशियल तुम देखोगे ज़्यादातर 230 को पहला प्रेफरेंस देते हैं, जब कॉलम पास नहीं होते तब 300 पे जाते हैं। रीज़न ये होता है कि इस कारपेट एरिया कम से कम आपकी डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि पैसा तो कारपेट एरिया का मिलेगा ना, तो ठीक पहले है। 230 देखे और डेप्थ बढ़ा के देखना पड़ेगा कि पास हो रहा है कि नहीं। अब डेप्थ आपका 750 तक चला गया फिर भी पास नहीं हो रहा है, मतलब अब विड्थ को इंक्रीज करना प्रॉब्लम है। पड़ेगा। हाँ सर, थैंक यू थैंक यू। चले चलो प्रीति, हाँ जी बोलो प्रीति बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मुझे पूछना था कि लास्ट प्रोजेक्ट में शेयर वॉल लगा था तो आपने कहा मतलब लास्ट प्रोजेक्ट में सिरवा लगा था मतलब हेलो हाँ जी बताइए। हेलो। हाँ जी सुनाई दे रहा है मुझे प्रीति, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। मोहित बोल रहे हैं कि कॉलम के ओके जैसे स्टैट में वाई जेड दिया है तो वो पूछ रहे हैं शायद हाँ वो। सर। हाँ हो सकता है मोहित, करेक्ट। हाँ बोलो बोलो। हाँ मुझे पूछना था जैसे शेयर वॉल में आपने कल कहा था कि बीम को हमको हटा देना चाहिए, बट स्टैट प्रो में तो हम उसको नोड टू नोड ज्वाइन किए रहते हैं, तो वहां पर अगर बीम ना दो तो फिर मिसिंग ऐसा बोल देता है, नहीं तो तो नोड टू नोड सर ज्वाइन करने के बाद आप उस बीम को डिलीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ज्वाइन हो गया आपका वो बीम खाली है ना, आपकी यूज में नहीं है ना, उसको रिमूव कर दो आप। यानी कि सरफेस कवर सर से शेयर वॉल लगाने के बाद उसको रिमूव करना है। रिमूव कर दो, रिमूव कर सकते हो आप। ओके क्योंकि फिर मतलब वही वो भी रिमूव हो जाता है, इसलिए मैंने पूछा, वो हाँ मिस्टेक हो रही थी। नहीं नहीं रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ठीक है वो मिसिंग दिखाएगा इसलिए रिमूव कर दो, बेटर रहेगा, चलेगा। कि जैसे कई जगहों पे हम क्या करते हैं, कॉलम नहीं प्रोवाइड करते कॉर्नर्स पे, तो एक बार ग्रिड बन गया ना आपका, आपको सरफेस आपने जनरेट कर दिया, आप वो वाले कॉलम वाले ग्रिड को हटा दो, ठीक है चलेगा। हाँ जी अभिजीत बोलो। हाँ अभिजीत बोलो। विकास तुम बहुत दिन बाद क्लास कर रहे हो हेलो। यार, बहुत गोला मार रहे हो तुम यार। हाँ बताओ बताओ अभिजीत बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एक डाउट, बोलो बोलो। उसमें मैंने का डिजाइन किया था, डिजाइन का बीम, डिजाइन का बीम, डिजाइन का बीम, डिजाइन इन्फोर्समेंट 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 बहुत ज्यादा बता रहा है पर बॉटम बहुत कम बता रहा है, सर ऐसा क्यों हो रहा? और एनफोर्समेंट को मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। जो तुमने साइज दी, आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है। ओके ठीक है। उसमें क्या होता है, ये जो तुमने साइज दिया हुआ है वो साइज या तो उस लोकेशन के लिए एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, या फिर जो जैसे कि तुम्हारा पूरा का पूरा कॉलम है उस कॉलम में देखना पड़ेगा कि एवरेज AST किसका है, तो जिसका एवरेज AST है वो लेके तुम्हें ऊपर से नीचे तक उसको डिटेल करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे सर सुपर, कॉलम का नहीं बीम, हाँ बीम का कह रहा हूँ सर मैं। बीम का, तो बीम में भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। अगर साइजेस नीचे भी 4 मीटर का है ऊपर भी 4 मीटर का है, तो अगर तुमको नीचे का डाटा एक्यूरेट मिल रहा है तो उसी डाटा को ऊपर तक कंटिन्यू लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कॉलम का लेके जाते हो एक AST देखते हो ना, तो ऐसे ही बीम का भी रिपोर्ट निकल के आता है। रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, बीम दिखाता है कि कितने ओम का कितने बार्स ले रहे हैं, तो नीचे जितने ओम का ले रहे हो सर उतने ही ऊपर भी आप कंटिन्यू लेके जा सकते हो। सर नीचे भी सेम ही बता रहा हूँ तो सिंपल बता दो, इसमें अच्छा सर है ना। बहुत, बट सर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, जैसे टॉप इन्फोर्समेंट अपन देखते हैं स्लैब पे जो बीम डलता है हाँ तो उसमें तो बॉटम में वो कितना 4 बता रहा है और टॉप पे 7 बता रहा है, तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नहीं नहीं बॉटम में ज्यादा आना चाहिए। बिल्कुल बॉटम में ज्यादा आना चाहिए। तो उसमें देखो बगल में दे रखा होगा टॉप रेनफोर्समेंट एरिया, बॉटम रेनफोर्समेंट एरिया, उस एरिया के हिसाब से तुम्हें डिटेल करना पड़ेगा,
रिपोर्ट में देखोगे तो ना रिपोर्ट में लिखा रहेगा टॉप में कितना रेनफोर्समेंट एरिया और बॉटम में कितना रेनफोर्समेंट एरिया, तो उस हिसाब से आपको खुद से डिटेल करना पड़ेगा। सर डिजाइन तो सही आती है ना इसमें? डिजाइन सही है, वो क्या है उसने अपना प्रीफरेंस बताया कि इतने एम का इतना डाल दो, लेकिन उसने साथ में एएसटी भी तो बता दिया है ना। हाँ सर एएसटी देखा नहीं मैंने एरिया, हाँ देखता तो हूँ अगर फिर। वो अगर हमको उसी का डाटा फॉलो करना होता तो वो एएसटी हटा देता ना, वो डायरेक्ट बता देता हाँ भाई इतने का इतना डाल दो। ठीक है, उसने राइट उसने अपने से गाइड कर दिया कि भाई इतने का डाल दो। अभी जैसे कि तुम अभी करोगे ईटीएफ में, करोगे ईटीएफ में डिटेलिंग कोई नहीं करता है, क्यों? ईटीएफ की डिटेलिंग में दिखा देता है 10 mm का बार कॉलम में। अब सीधी सीधी बात है कि 10 mm का बार तो कॉलम में डालेंगे नहीं, नहीं आने नहीं ठीक सही। है, लेकिन बगल में वो एसटी भी दे देता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील दे देता हाँ है। अब खुद से कैलकुलेट कर लो, यस सर, ठीक है, तो ये करना पड़ता है। यस सर मैं चेक कर लूँगा एरिया एक बार। हाँ चलेगा, ठीक है ओके। इन्होंने बोला कि बीम्स से ज़्यादा सुबह बीम्स के लिए ज़्यादा है, ओके ठीक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, आपका असाइनमेंट चेक करना पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपका नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है वो भी बता देता हूँ। नेक्स्ट असाइनमेंट है कि आपको मंडे तक कंप्लीट स्टैट प्रो के लेक्चर्स वॉच कर लेने हैं। आगे के लेक्चर्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट्स मैंने कराए हुए हैं, डाउट बताए हुए हैं बच्चों के, ठीक है। 35 के आगे कोई भी लेक्चर में कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, सिर्फ मैक्सिमम डाउट्स पढ़ाए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, उनको फास्ट फॉरवर्ड करके डाउट्स क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। एक लाइव प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो उसमें जो जो डाउट्स आ रहे हैं सबको वो बता रहा हूँ, तो आपको बस उसको वॉच करना है। तो आपका सर नितिन तो बहुत दिन बाद आया यार, कहाँ गए थे, और क्या बोलते हैं उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं बीच में वो डाउट्स मैक्सिमम वहाँ पर भी क्लियर बहुत ढेर सारे होंगे। तो आपको सैटरडे संडे में कुछ नहीं करना है, जितने मैक्सिमम लेक्चर वॉच कर सकते हो 35 तक कंपलसरी है, उसके बाद अगर वॉच करते हो तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो वॉच करके फिनिश कर देना है, ठीक है, मंडे संडे तक। मंडे को हम लोग ईटैप स्टार्ट करेंगे, और ईटैप्स में 2016 वर्जन करना, ठीक है। अभी स्टेट खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जैसे आप ईटैप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो फिर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे, उसको स्टेट पे बनाएंगे और ईटैप पे बनाएंगे, फिर उनके दोनों के डाटा को कंपैरिजन करके आपको दिखाएंगे, आप खुद ही कर लोगे, ठीक है, क्योंकि जब दोनों आ जाएगा तो आप कंपैरिजन तो कर ही लोगे। तो हम क्या करेंगे आगे, अभी स्टेट को यहाँ पर हम फिनिश करके जब ई टैप में चलेंगे, जब ई टैप का आपको लगभग 10-15 दिन चला लोगे तो प्रैक्टिस आ जाएगी, प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, कंपैरिजन करेंगे दोनों के मॉडल को। डेली आ रहे हो, फिर प्रोजेक्ट नहीं किया होगा तुमने नितिन, प्रोजेक्ट नहीं किया था क्या? अगर प्रोजेक्ट नहीं किया होगा तभी मुझे ऐसा हुआ क्या होगा, क्योंकि मैं गलत नहीं जाऊंगा, जो कि मेरे दिमाग में सबका ब्रेन में सब सेव रहता है। हाँ मुजाहिद बोलो। हेलो, हाँ मुजाहिद बोलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर वो पूछ रहा था, वो एसेंट्रिक फुटिंग बता देना सर, आज आरसीडीसी में एसेंट्रिक फुटिंग कैसे डिजाइन आरसीडीसी में करते नहीं होगी अब इस एंट्री फुटिंग के लिए, अब आप सही जगह चल रहे हो। आरसीडीसी में क्या बोलते हैं, सॉरी सेफ में सबसे अच्छी एंट्री फुटिंग होती है, बाकी कहीं पर भी तुमको परफेक्ट इस एंट्री फुटिंग नहीं मिलेगी। और सेफ सर? में भी क्या कर, केवल एरिया बताता है, डिटेलिंग आपको खुद से करनी पड़ती है इस एंट्री की, और जो कि सेफ के अंदर ही होगा। अब स्टार्ट हो रहा है वही मंडे से। सर जैसे जैसे हमें फुटिंग किसी को देनी है हाँ तो सर फिर उसको कैसे दें सर अब? मेरे से ड्राइंग ले लो फुटिंग की, तुम्हें अप्रॉक्स देना है तो बिल्कुल दे सकते हो, ठीक है, लेकिन परफेक्ट देना है तो सेफ के लेक्चर वॉच कर लो, तुम्हारे पास तो ऑल इन वन है ना, यस सर। ठीक है, सेफ के लेक्चर से फटाफट वॉच कर लो। सर तो उसको सेंटर, जो सेंट्रिक फुटिंग है उसी के हिसाब से डिजाइन करके उसको चेंज करके दे दें उसको, बिल्कुल दे सकते कॉलम को हो, सेंट्रिक कर दें। बिल्कुल दे सकते हो, थोड़ा एरिया ज्यादा कर देना, सेंट्रिक जो होती है फुटिंग उनके थोड़ा सा एरिया ज्यादा होते हैं, अच्छा साइज बढ़ा दूँ साइज सर। बढ़ा दो, क्योंकि भाई सीधे सीधी बात है, तुम एक स्टेबल कंडीशन में हो एक अनस्टेबल कंडीशन में हो, तो अनस्टेबल में ज्यादा सेफ्टी लगेगी ना, यस सर। ठीक है, तो थोड़े से एरिया बढ़ा देना बस, एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है, 500 mm या फिर 200-300 mm एक्स्ट्रा कर देना बस, ओके ठीक है चलेगा। हाँ जैन बोलो। सर बी फोर ऑलरेडी ई टाइप का बेसिक्स ही पढ़ना है ना? अभी बिल्कुल बी फोर ऑलरेडी बेसिक पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी बोलो। ओके हाँ गोस्वामी, सर, प्लान सेंड कर दूंगा मैं, नाम बता देना प्लान का। हाँ जन बोलो। सर एक मॉडल सेंड किया है मैंने आपको, वो देख अभी लीजिए जरा। चल रहा है, अभी तो सबके स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपका भी हाँ, टर्न आएगा, तो सर और मैं आराम से पूछ जी, लूंगा। और मैं एक चीज ये कह रहा था, जो एडवांस कॉन्क्रीट डिजाइन होता है सर इस हाँ साइड में, हाँ उसमें आपने ये बताया था ऑल इन वन में कि डेड लाइव हम लेके जाते हैं हाँ राइट साइड में, डेडलाइन ठीक में है। ले जाएंगे तो जल्दी पास होगा, हाँ अगर अगर सर हमारे अर्थक्वेक लगा हुआ है उसमें तो अर्थक्वेक सब ले लेके जा जाने। सकते हो, थोड़ा सा ज्यादा फेल ज्यादा होंगे मेंबर्स। हाँ तो सर मैं लेके गया क्योंकि ये मुझे डिजाइन देना है असल में, हाँ
तो तुम उधर तो क्यों मैं लिख, तुम ऐसे भी तो कर सकते हो ना, स्टेटमेंट डिजाइन करके दे सकते हो ना। सर वो मैं देखना चाह रहा था कि मेरे कितने सैगिंग हॉगिंग में पास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हाँ इसलिए मैं ले गया था उधर। ओके और अभी ये है कि सर थोड़ा सा आप देख लीजिएगा उसे थोड़ी ओके ओके देर बाद। चलेगा ठीक है, अभी सबका ही देख रहे हैं, एक तरफ से सबका देख रहा हूँ, चलेगा ठीक है सर। ओके। सर मेरा आरसीडीसी, क्या आरसीडीसी तुम्हारा हुआ नहीं क्या अभी इंस्टॉल? चलो अब सबका असाइनमेंट्स देख रहे हैं, याद रखना सबका असाइनमेंट्स क्लियर है, ठीक है? आपको स्टैट के सारे लेक्चर्स वॉच कर लेने हैं, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। मंडे को हम लोग इंट्रो करेंगे ई टैब्स का, ठीक है, और जो बच जाएंगे आप कंप्लीट करोगे, बट अच्छा रहेगा कि कंप्लीट वो अच्छी कर लो। 35 तक मेन है, उसके आगे सिर्फ डाउट्स पढ़ाया हुआ है मैंने, एक प्रोजेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, आप लोग इतना प्रोजेक्ट कर चुके हो कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, गो थ्रू हो लेना बस। ओपन नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप पे पिक भेजा, ठीक है लास्ट में देखता हूँ, पहले अभी सबका असाइनमेंट्स देखेंगे। कई लोग सोच रहे हैं सर हमने नहीं किया है, आलम से स्टार्ट करेंगे, जिसका इसका प्रोजेक्ट आता जाएगा प्लीज वही लोग माइक ऑन करना, क्योंकि डेफिनेटली वही लोग प्रोजेक्ट पूछ पाएंगे जिन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो अभी आलम अपना माइक ऑन कर लो अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो। अब देखो अभी ओरिएंटेशन का तो तुम्हें एकदम क्लियर ही हो गया होगा जहां तक है, बिल्कुल दे सकते हैं स्टेट फाउंडेशन में डिटेल दे सकते हैं। अरे यार मेरा ऑटो कैड मुझे धोखा दे रहा है, ऑटो कैड मैंने जुगाड़ से पता नहीं कैसे 2022 इंस्टॉल किया बट ये चल नहीं रहा है। हाँ लम बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ये वार्निंग बहुत ज़्यादा आ रहा सर, ये कितनी आ रही है? 12, 30 वार्निंग है सर। बस यस वन, ये सिंपल पहले ही दिख रहा है, वन और मोर एम्प्टी लोड केसेस आर डिटेक्टेड इन लोड केसेस। तुमने कोई एक लोड है जिसको डिफाइन तो कर दिया है, और डिफाइन करने के बाद उसके अंदर कुछ लगाया नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ वो लोड कॉम्बिनेशन नहीं लगा है सर। नहीं, लोड कॉम्बिनेशन नहीं, तुमने लोड भी कोई डिफाइन किया है, उस लोड को तुमने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। ये देखो तुमने जेड डायरेक्शन में अर्थक्वेक लगाया ही नहीं है, माइनस जेड में, और डिफाइन कर दिया है, तो पहला वार्निंग तो यहीं से दिख गया ना, ठीक यस है? अब देखो वार्निंग का नाम क्या है तुम्हारे, देख लेते हैं वैसे, जहाँ तक इसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि अभी ये बस इससे बड़ा वार्निंग क्या है। हमने थोड़ा बढ़ा दिया, 46 कर दिया, ठीक है। कई मेंबर्स फेल कर रहे हैं, ठीक है, फेल, और कई मेंबर जीरो स्टिफनेस के वार्निंग्स हैं, ठीक है, और कई मेंबर जो है वो क्या बोलते हैं यहाँ पर सही से लग नहीं पाए तुम्हारे। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो अर्थक्वेक को डिफाइन कर दो चारों डायरेक्शन में, उसके बाद इसको सेप को सेलेक्ट कर दो, सेलेक्ट करने के बाद इसको इंटरसेट कर दो, ठीक है। इंटरसेट पता है ना कैसे करते हैं? यस सर। ठीक है इंटरसेट कर दो, वैसे इंटरसेट तुम्हारा है ऑलरेडी मेंबर, ठीक है। कुछ मेंबर तुमने ओवरलैप किए हैं क्या ऑटो कैड में गलती से? ऐसा तुमको लगता है कि तुमने ऑटो कैड में कुछ फाइल को एक के ऊपर दूसरा रिपीट कर दिया है? इसमें तो नहीं किया सर। आई थिंक कुछ फाइल है जो तुम्हारी एक के ऊपर दूसरी रिपीट हुई है, ओवरलैप हुई है। अगर कैट फाइल देखते हैं मेरे को खुल जाए तो फिर मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा, क्योंकि इतनी वार्निंग से बन रही ना, वो इसी वजह से बन सकती है। मेरा ऑटो कैट चल ही नहीं रहा, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, लेकिन ठीक है। ठीक है एक बार पहले उन दोनों को सही कर दो, फिर दूसरा जो सेक्शन फेल दिखा रहा है उसके साइजेस को बढ़ा दो, ठीक है। साइजेस को जैसे ही बढ़ाओगे पक्का पास हो जाएगा, तो बहुत छोटा स्ट्रक्चर है तुम्हारे लिए, तो बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे साइजेस को बढ़ा दोगे, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि कुछ कुछ स्पैन ऐसे ना जो थोड़े लॉन्गर हैं, तो डेप्थ क्या दिया है तुमने? 230 बाई 300। 230 बाई 300 कम दिए हो, ठीक है, 350 लेके जाओ, ठीक है। अब जैसे कि अब देखो तुम एक बीच में एक दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा है, एज ए सेकेंडरी भी आ रहा है वो, और बड़ा भी है, और रिलीज भी नहीं किया है तुमने इसको, तो क्या हो रहा होगा, इसका मोमेंट ट्रांसफर हो रहा होगा इस बीम पर, तो ये बीम भी फेल हो रही होगी, और जब ये बीम पर ट्रांसफर हो रहा होगा तो इसको भी रिलीज नहीं किया है, तो ये वाले दूसरे बीम पर फेल पास होगा, मतलब कि ट्रांसफर कर रहा होगा, ये फेल हो रही होगी, तो पहले तो रिलीज करो इसको, ठीक है। रिलीज करने के बाद और साइज को भी बढ़ा दो, ऑटोमेटिक पास हो जाएगा,
ठीक है, ट्राई थैंक करो, यू अगर नहीं यस होता तो फिर मेरे को बताओ कि सर हो ही नहीं रहा, मैंने सब कर लिया, तो फिर मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। यस चले चलो, मुजाहिद ने अच्छा काम किया है, इन्होंने पीडीएफ भी बना के भेज दिया है, मेरे लिए इजी हो गया। इजी इसलिए हो गया कि एनालिसिस करना आसान हो गया। ये दूसरा प्रोजेक्ट लग रहा है इसका, मुझे वही वाला प्रोजेक्ट है, प्लान हेलो, दे मुझे वही वाला प्रोजेक्ट है ये। यस सर, जो आपने प्रोजेक्ट दिया था कल सर, वो प्रोजेक्ट है। ओके, अच्छा तुमने प्लान थोड़ा अलग कर दिया ना, थोड़ा लेआउट वगैरह हाँ सर, चेक कर लीजिए, आपने जो रिक्वायरमेंट्स दी थी उसी के हिसाब से। हाँ रिक्वायरमेंट तो परफेक्ट है, बस इसमें ना एक दिक्कत ये थी कि 4 फीट केवल ही लोग फ्रंट पे छोड़ने वाले थे, पार्किंग किधर दोगे? अच्छा इधर पोर्च, पार्किंग सर पोर्च के नीचे पार्किंग है सर। ओके 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 ओके, एक रूम इनका इधर आ गया, एक रूम इधर आ गया, एक रूम इधर आ गया, डाइनिंग रूम आ गया, इधर आ गया, ठीक है। ओके रिक्वायरमेंट तो अच्छी है, बट पता है कि प्लान बहुत अच्छा बनाया तुमने, और लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग शायद इधर की तरह जो कॉर्नर है छोड़ने वाले नहीं है, ये जो 4 फीट देख रहे हो ना, तो यस सर, ये छोटे शहरों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है कि लोग वहाँ पर मार्जिन नहीं छोड़ रहे हैं। मैं देख दिखा भेजता हूँ, अगर उन लोग को अच्छा लग, मतलब कि अगर वो सर लोग छोड़ेंगे मैंने तो अच्छा, सर कॉन्सेप्ट वो रखा कि वेंटिलेशन चोक नहीं होनी चाहिए आदमी का, बहुत उसको अच्छा होता है, इससे इससे नहीं अच्छी कोई चाहिए। बिल्डिंग होती ही नहीं है, लेकिन क्या करोगे, लोगों को मतलब लोगों को ऐसा लगता है ना कि मेरा वेस्टेज चला जा रहा है, ठीक है, जानते यस हो सर लोगों की मेंटेलिटी कैसी होती है, तो फिर वो बड़ा समझाना मुश्किल होता है। देखो तुमने डाइनिंग रूम भी दे दिया, 3 रूम भी दे दिया, वैसे उनका रिक्वायरमेंट तो पूरा हो रहा है, और ये पूरा बंगलो मॉडल बन भी जाएगा, इसकी 3D जो है बंगलो मॉडल बन जाएगी। चलो बेच के देखते हैं। हाँ और श्योर एनालिसिस सर, में कोई जैसे दिक्कत, आपकी एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं है? सर इसमें एक एरर दिखाता है सर, वो अनेबल टू एकोमोडेट रेनफोर्समेंट एरिया सर, वो एरर कैसे जाता है सर, समझ में नहीं आ। एक एरर 30 वार्निंग दिखा रहा है, एरर नहीं दिखा रहा है। सर वही मतलब सॉरी मैं एरर बोल दिया वार्निंग को, ये सर अनेबल टू एकोमोडेट रिक्वायर्ड एरिया ओके, अनेबल टू उसको। अकोमोडेट रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट, ओके स्टील एरिया है इतना, ओके अनेबल टू, कॉलम में भी दिखा रहा है, कॉलम में ही दिखा रहा है, ठीक है 235 400, ठीक है अनेबल टू अकोमोडेट रिक्वायर्ड, तो वाला देखो अभी कैसे कि नया वार्निंग दिख रहा है, अनेबल टू अकोमोडेट रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट, ओके सर इसको मेंबर साइज बढ़ा के भी मैंने ट्राई किया, तब भी सेम ही एरर आ रहा है। कितना बढ़ाए थे तुम? सो मैं 400 तक लेके गया हूँ अभी, 230 by 400 है मेरे कुछ कॉलम इसमें, और परसेंटेज टू देखो, थर्टी बाई परसेंटेज तुम्हारा ज्यादा आ रहा है, तुम्हें और बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन और इतना क्यों बढ़ाना पड़ेगा, साइज तो सही है, देखो तुम्हारा 2.62% चला जा रहा है स्टील, ठीक है, और इधर की तरफ, इधर की तरफ सही है, कुछ कॉलम में तुम्हारे स्टील जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग जा रहा है, 16:4 दिखा रहा है, और लोड तुम्हारा देखता हूँ। हाँ तुमने इसमें अच्छा G+ इतना कर दिया तुमने, अर्थक्वेक भी डाल दिया ना तुमने, तो सर अर्थक्वेक नहीं लगाना था। अर्थक्वेक इतने बड़े स्ट्रक्चर्स के लिए ज़रूरी नहीं था, मतलब तुमने तो तुमने ज़्यादा फ्लोर कर दिया ना, वो अब G+2 के हिसाब से, अच्छा तुमने G+2 ही तो बनाया हुआ है, ठीक है G+2 ही है सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्बिनेशन उसने हैवी ले लिया, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा करके देखो इसको, जस्ट इस वार्निंग को देखने के लिए, वैसे तो अपन डिजाइन तो हो ही चुका है, ठीक है इस वार्निंग को रिमूव करने के लिए अपन चेक करके देखते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को बोल रहा है कि क्या बोलते हैं अनओवरडे, मतलब को रेनफोर्समेंट वहां पर सही से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा उतने एरिया में, लेट्स सी। वो एरिया के वजह से ही दिखा रहा है, वो बोल रहा है कि हम एरिया को सही तरीके से कर नहीं पा रहे। अब देखो अब किस में आ रहा है प्रॉब्लम, अब आ रहा है बीम्स में प्रॉब्लम, कॉलम में आ रहा है, अभी कुछ कॉलम्स में अभी फेल हो भी हो रहा है, जो मैक्सिमम परसेंटेज नहीं, वो सही है, पता है किसमें हो रहा है, जो दूसरे वाले कॉलम्स थे उनके
जो छोटे वाले कॉलम थे ना अब वो फेल यस कर सर, रहे हैं, ठीक है। बड़े वाले देखो सारे पास हो गए, यस सर। ठीक है। सर इनका भी साइज इंक्रीज करना हाँ, पड़ेगा। इनका भी साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो दिखा रहा है ना एक्सीड कर रहा है, कर ही लोगे जब तक ओके है। सर। ठीक है, चलो बढ़िया। ये सर कई बार आपने आईबीसी जो वाला सिस्मिक लोड लगाने पे जो वार्निंग दिखाता है, हाँ, यूबीसी वो सर परफॉर्म एनालिसिस और चेंज लिखते हैं उसमें जाके एडिटर में, तो करेक्ट, कई बार जाता नहीं है सर वो एरर सही जब से भी। लिखो। देखो इसमें आ रहा है क्या, इसमें वो, हाँ सर इसमें आ रहा है। ठीक है। देखो एग्जैक्टली कहाँ लिखना है ये समझो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, तो अगर एडिटर में खोल के दिखाता हूँ आपको, तो एडिटर में एग्जैक्टली लोकेशन देखो, अगर गलत जगह पर लिखे तो एरर या वार्निंग फिर से बना देगा। जैसे लोड केस वन एक्सिस वन, ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको लिखना चाहिए, और स्पेलिंग का ध्यान देना चाहिए, अगर स्पेलिंग यस गलत हुआ तो फिर वो फिर भी नहीं लेगा। लोड केस वन के जस्ट नीचे ले लिया, उसके बाद लोड केस माइनस वन के नीचे जस्ट ले लिया, लोड केस माइनस जेड के पीछे ले लिया, लोड केस प्लस जेड के पीछे। देख लिया अभी ये परफॉर्म अच्छे से देख लिया ना, ऐसे यस ही सर। करना है, ठीक है। अब इसके बाद आप करोगे तो यूबीसी रिमूव हो जाएगी। देखो यूबीसी रिमूव हो गया, यस ठीक है। हाँ सर, स्पेलिंग चलो वगैरह या कुछ। चलो बढ़िया, कर लो इसको कंप्लीट कर लो, अब तो समझ गए तुम। चलो राजू जी ने किया है, लेकिन राजू अगर तुमने किया तो मैं देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑटो कैड ही नहीं रन कर रहा है। एक वजन किया वो नहीं क्रैक हुआ, दूसरा वजन किया वो भी नहीं हुआ। चलो मैं देखूंगा आराम से भी। ओके, अच्छा है तुमने कर लिया है। शुरू हो गया, भारती जी ने किया हुआ है, सर लाइसेंस का प्रॉब्लम है। लाइसेंस तो वही बस वही है, पैच जब तक सही से नहीं करोगे मुझे वार्निंग देखना भेजना क्या है, तो मैं बताता हूँ। ठीक है, अमन कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी अमन बताइए, आपका सर प्रॉब्लम। मेरा काफी नीचे चला गया था असाइनमेंट। अच्छा, ठीक है, मैं इसके बाद तुम्हारा चेक कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे है तो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अभी भारती का देख लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारा कुछ डाउट रहेगा तुम पूछ भी लेना। हाँ जी बोलो ब्रजराज, कोई समस्या? ओ भाई साहब, समस्या ही समस्या। भारती बोलो। जी सर, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, कुछ समस्या आई? हाँ समस्या है सर, 450 का 230x450 का कॉलम दिया मैंने सर, उसके बावजूद भी सेल हो रहा है। ओरिएंटेशन पक्का ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम है। आज जो ओरिएंटेशन पढ़ाया, क्या इससे रिलेटेड कुछ तुम्हें लगा होगा कि मैंने मिस्टेक किया हुआ है? जी ओरिएंटेशन जी की वजह जी से राइट बहुत कॉलम फेल होते हैं, ठीक। जी, अगर मैंने कॉलम, देखा था सर, इससे पहले जो प्रोजेक्ट किया था उसमें दो तीन मेरे कॉलम फेल हो रहे थे, तो मैंने उनका ओरिएंटेशन चेंज किया था तो वो पास हो गए थे फिर। हाँ, ओरिएंटेशन से बहुत कॉलम पास होते हैं अगर सही हो। देखो सीधी सीधी बात है, कॉलम क्या है, कॉलम एक तरीके का सोल्जर है, और सोल्जर अगर सही जगह पे लगाया हुआ है, मतलब कि तुम्हारे घर में सिक्योरिटी के लिए लगा हुआ है, वो सही जगह लगा हुआ है तो सही से परफॉर्म कर पाएगा ना, ठीक जी है। ठीक ठीक है, अगर है। आपने अच्छा, आपने एक चीज और पूछ रहा था सर, बोलो। ये जो हम ग्रिड लाइन जो बनाते हैं फुटिंग्स का करेक्ट और कॉलम का, करेक्ट, तो सर जो हम स्टैड में जो बना रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो उसका ओरिएंटेशन है, मतलब ओरिएंटेशन तो ठीक है, जो ग्रिड लाइन बना रहे हैं करेक्ट, उसके साथ जो स्केचिंग काम होगा सर, तो वो एग्जैक्ट उसके नहीं आती है साइड के हाँ हिसाब से, एग्जैक्ट तो क्या आएगी हमें नहीं मतलब आएगी। ऑटोकैड में जाके एडिट करना पड़ता है? मैंने कि हाँ वही वही डेफिनेट, सर। जब रिटेल करते हैं तो उसको एडिट करना पड़ता है, और एग्जैक्ट आएगा ही नहीं, जी क्योंकि ये सारे इसेंट्रिक कॉलम है, तो एग्जैक्ट आ गया तो फिर एक्सियल जी कॉलम हो जी जाएंगे ये, तो एग्जैक्ट का कोई जरूरत ही नहीं जी है, जी वही जी 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 ठीक है। ठीक है चलो, सर, ओके, वही। चलो इन्होंने प्रयास किया हुआ है, दैट इज गुड थिंग। अमन सिद्दीकी बोल रहे हैं कि इनका नीचे चला गया प्रोजेक्ट, तो भाई पहला तो इनका देखना पड़ेगा। आज कुछ लोगों ने कम के प्रोजेक्ट किया हुआ है। नहीं भाई अमन, आपका पूरा प्रोजेक्ट देख चुका हूँ, आज का प्रोजेक्ट आपका है ही नहीं, ये वाला है क्या? ये तो पुराना वाला है, तो कल देख चुका था मैं। एक बार मेल चेक कर लो,
चलो तब तक सुभाष इसका देखते हैं। सुभाष अभी रीना प्रोजेक्ट, अच्छा रीना प्रोजेक्ट इसका बचा हुआ था। किधर है अमन? वो वाला कल वाला तो मैंने देख लिया था तुम्हारा प्रोजेक्ट, कल वाला तो वो तो मैंने देखा था कल। हाँ सुभाष जी बोलो, कुछ प्रॉब्लम आया? तो वैसे भी कल 8 बजे का है। ओके देख लेता हूँ। सुभाषीष तुम्हारा भाई कौन है? हेलो हेलो, हेलो हेलो। आवाज आ रही सर? हाँ जी आ रही। हाँ सर, वो जो कैंटिलीवर टाइप का है ना, हाँ तो वहाँ पे मैंने सपोर्ट प्रोवाइड किया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं मतलब कोई रिलीज बात नहीं नहीं, किया? कर सकते हो। ठीक है, वैसे रिलीज प्रोवाइड करना सही मेथड होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा तुमने दिमाग लगाया, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। नहीं, वो किसके प्रोजेक्ट में देखा था, राजू के प्रोजेक्ट में देखा था, उसने तो मैंने बोला ना, सपोर्ट ठीक है प्रोवाइड किया कोई था, दिक्कत मैंने नहीं कर है, दिया था। वो भी एक तरीके का रिलीज ही हो गया क्योंकि उसको रेस्ट मिल गया वहाँ पर। ठीक है अच्छा। और मैं सिर्फ मतलब रीना से स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि वो छोटा प्रोजेक्ट था ना, अभी बड़ा हाँ वाला भी करूँगा सब बैठ के। हाँ चले चले करो, अभी टाइम है करो, लेकिन स्टैट का पूरा लेक्चर मंडे तक वॉच कर लो। ऐसे लेक्चर तो हो जाएगा, लेक्चर मैंने वॉच कर लिया है बहुत सारा, अच्छा तब अभी सिर्फ मतलब उनको इम्प्लीमेंट करना है प्रोजेक्ट में। गुड, यस। बढ़िया। चलो इन्होंने स्पेक्ट्रम कर और दिया। सर वो जो आरसीडीसी का प्रॉब्लम थोड़ा देखिए ना, व्हाट्सएप में भेजा है मैंने आपने। अच्छा चलो अभी सबका पहले असाइनमेंट चेक कर लो, उसके बाद देखते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अमन अपना माइक ऑन कर लेना, मुझे तुमने तो यार इसमें डायनेमिक कर दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हैवी हो जाता है स्ट्रक्चर से। हाँ मन, ये तुम्हारा वो वाला कल वाला प्रोजेक्ट वही है क्या? हाँ सर, कल मैंने रात को 8 बजे दोबारा भेजा सर कल का, वो तो परसों का था सर। तो यार प्रोजेक्ट तो एक ही दिख रहा है इसमें सामने मेरे मेल पर, तो नहीं सर, मैंने 13 आवर्स पहले भेजा है सर मैंने, कि ये देखो तुम्हारा नाम मैंने 8 बजे। सर्च, तुम्हारा नाम मैंने सर्च कर दिया ना। यही वाला था सर जो आपने अभी खोला था, ऊपर 5x45, 55x45 लिखना चाह रहा था, अच्छा, 5x45 ओके ये कल का ही सर। हाँ हाँ, इसके अंदर तूने मिला के भेजा है। एक तो हाँ ये सर। फाउंडेशन है हाँ सामने वो वाली। सर मैंने ओरिएंटेशन पिछले भी भेज दिए थे। अच्छा, ठीक। हाँ अब तो ओरिएंटेशन क्लियर हो गया ना, अभी तो सही कर लोगे ना उसको। हाँ सर, ओरिएंटेशन का तो काफी अभी समझ में आया। काफी समझ में, मतलब तुम्हें भी डाउट है और प्रोजेक्ट करोगे तब जाके क्लियर हाँ होगा। सर, तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये तो सही है, क्या हुआ नहीं किसी चीज कह रही है? मुझे तो सर स्क्रीन दिख नहीं रही, शायद आ रही थी इसमें। मैं वार्निंग का तुम्हें नाम बता देता हूँ, तो फिर तुम्हारा माइक बंद कर देता हूँ। 0 स्टिफनेस का वार्निंग है। ठीक अच्छा। है, वैसे तो चल जाएगा, मैं तुमको बता दूँ। देखा था कि नहीं तुम्हारा 0 स्टिफनेस आ रहा था कि नहीं? हाँ सर, आ रही थी ठीक है, जीरो अभी मैं स्टिफनेस। तुम्हारा माइक बंद कर देता हूँ, तुम सुनाई दे। इसके बाद जैन तुम्हारा माइक ऑन करता हूँ। इसको सबको सेलेक्ट कर देना और क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री पर जाके इंटरसेट कर देना। तो जैसे इंटरसेट करोगे, 8 वार्निंग थी, 8 के 8 वार्निंग तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसको एनालिसिस कर लो इंटरसेट करने के बाद, अपने आप से हो जाएगा। हाँ जी जैन बोलो, अब तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या देखना है? सर एक तो ये मेरा कन्फ्यूजन था डायनेमिक स्टैटिक का, एक तो इसे स्टैटिक करना है ये तो ये डायनेमिक क्योंकि किया है तुमने इसमें, हाँ ये सर डायनेमिक हो गया, इसको स्टैटिक करना है, तो सर वो क्या, वो कैसे होगा मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। तुम्हें लेक्चर वॉच करना पड़ेगा क्योंकि उसका तो पूरा स्टेप है। हाँ लेक्चर 8 वॉच करना पड़ेगा सिस्मिक का। ठीक है, और उसमें तुम्हें पूरा कंप्लीट स्टैटिक मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, हाँ सर, 8 तो मैंने देख रखा है, लगभग 14-15 हो चुके हैं मेरे, रह गए कुछ अभी। तो सिस्मिक का तुमने देखा जरूर होगा। हाँ सर देखा था, लेकिन मैंने फिर इस तरीके से असाइन कर दिया, क्योंकि मैं ऑफिस में इस तरीके से करता था, तो मैंने वो ही कर दिया। नहीं, इस तरीके से करोगे तो बहुत रेनफोर्समेंट दिखाएगा। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली। हाँ तो इसी वजह से वो पास नहीं हो पा रहा होगा, फिर हाँ कुछ तो कॉलम फेल हो रहे हैं इसमें। हाँ, सिंपल मेथड से बनाओ। देखो मैं दिखाता हूँ कभी किस लेक्चर में हाँ तुमको मिल बता जाएगा। दीजिए, बना दीजिए। ठीक है, मैं और लेक्चर बताता हूँ, मैं लेक्चर बताता हूँ, तुमको जाके खुद से वॉच करना पड़ेगा, मैं लेक्चर दिखा दे रहा हूँ। मैं चलिए तो इसको हटा के वो लगा दूं फिर, हाँ, इसको हटा के वो लगा दो। ठीक है? हाँ तो उसमें आपने बताया था जोन, उसमें जोन वोन सब आ रहा है ब्लू के लिए, तरीके से एक्स लगाना है, प्लस एक्स करेक्ट, लगाना है, सब देखा था मैंने वो।
अच्छा एक चीज मैं कह रहा था, फाउंडेशन ये वाली दे सकते हैं हम? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही ऑटो गेट फाइल इंपोर्ट करके, कोई एक्सपोर्ट करके दे देते हैं क्लाइंट को, दे सकते हो। ये असल में क्या है, ये अच्छी खासी बड़ी लेंथ है सर, मैंने ये सारी बीच का पोर्शन डिजाइन करा है अभी, तो वो अलग अलग पार्ट में करके ना इस पे एक्सटेंशन दे दूंगा सर मैं, और दे दूंगा उन्हें। बिल्कुल दे सकते हो, हाँ इस तरीके से करूंगा, दे सकते हो। लेकिन ये ना डायनेमिक मत करो, डायनेमिक करोगे तो क्या होगा, ओवर एनफोर्समेंट इतने छोटे स्ट्रक्चर के लिए डायनेमिक नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं सही बात है, वो ठीक बात है। और अच्छा एक चीज मैं ये कह रहा था सर, इसमें जो फ्लोर लोड है वो आपका डेड लोड फ्लोर पे तो लगता नहीं है सबसे नीचे, लेकिन अगर बेसमेंट है तो लगाएंगे ना? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, सिर्फ उसको ना स्टैटिक कर दो, इतने छोटे बिल्डिंग के लिए डायनेमिक के लिए मत जाओ। ठीक है सर, तो वो उसको देख लूंगा तो ये ऑब्वियसली पास हो जाएगा। एग्जैक्टली 100%। और सर अगर और सर इसको अगर क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सही है या नहीं है हमारा? क्रॉस चेक करने के लिए परसेंटेज देख लो ना, परसेंटेज कितना सर, मुझे मुझे थोड़ा सा एक चीज ये बता दीजिए, अगर हमें इसके अंदर डिफ्लेक्शन चेक करना होगा तो हम किस बीम का चेक करें, मतलब मैक्सिमम के लिए? जो क्रिटिकल है, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, जो सबसे सर वो कैसे पता चलेगा? जो सबसे बड़ा है किसी भी फ्लोर पे, किसी भी फ्लोर पे जो सबसे बड़ा है वही क्रिटिकल रहेगा, जाहिर सी बात है। तो वो किसी चेक कर लूं दो तीन का मैं आराम से, है ना, उससे पता चल, किसी एक का भी तुमने देख लिया अगर डिफ्लेक्शन तो तुम्हें दिख जाएगा। सच ये हां यहां शो नहीं होता मेरा, क्योंकि तुम्हारा डायनेमिक तुमने कर रखा है ना इसमें, स्टैटिक करो उसको करने लगेगा। अच्छा स्टैटिक होगा तो होने लगेगा, और वहां हमें शियर चेक करना पड़ेगा बीम के लिए। एग्जैक्टली ठीक है सर। अच्छा फटाफट सेस्मिक करो पहले, उसका स्टैटिक से सेस्मिक करो फिर देखो खुद ही दिखेगा सब। हां सर वो कर देता हूं मैं। हां बोलो, बाकी लोड ठीक है ना सर? सब एकदम सही है, तुमने लोड एकदम परफेक्ट लगाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके थैंक यू सर। चलिए यस जसप्रीत, कुछ डाउट आया, कुछ प्रॉब्लम आई? देखो जसप्रीत ने आरसीडीसी में भी कर रखा है, ग्रेट थिंग। किसी को कुछ भी डाउट आया तो पूछ सकते हो, तो इनकी प्लानिंग में देखूंगा, बट प्लानिंग अभी मैं नहीं दिख पा रहा हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखा है, आई विल सी दैट लेटर, जब क्या बोलते हैं मेरा ऑटोकैड इंस्टॉल हो जाएगा तो देखता हूँ मैं। वेरी गुड वार्निंग तो है नहीं का, हाँ जी जसवीत बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर, बस कोई थोड़ा कॉलम ओरिएंटेशन का था वो पता लग गया आज, बस उसी के पास। अभी सब 100% हो गया? अब तुम्हारी दोस्त नहीं दिख रही है सर, वो आज यूनिवर्सिटी गई है ना, उसको बोल देना आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, मिस कर दी, देख लेगी रिकॉर्डिंग। जी सर रिकॉर्डिंग देख लेती है। चलेगा, वो तो तुमने सही किया हुआ, वेरी गुड। चलो विनीत ने किया हुआ है, बेडरूम दिया है, इधर कार पार्किंग, कार पार्किंग छोड़ा दे दिया, कार पार्किंग मुझे इतना छोटा नहीं देना चाहिए, 6.5 पे तुमने कार पार्किंग दे दिया है, 6.5 पे कार पार्क होगी ही नहीं। हाँ जी बोलो विनीत। हेलो। हाँ विनीत। हाँ सर, वो 8 फीट 2 इंच का है, एक कार के लिए बोला था ना आपने, तो एक कार का है कार पार्किंग। 8 फीट का है, 6 फीट दिख रहा है। नहीं नहीं 8 फीट 2 इंच है, वो गलत वो हो गया है, उसमें स्केलिंग गलत किया हुआ है। अच्छा वो स्केल गलत हो गई, 8 फीट 2 इंच हो रहा, 8 फीट का आपका सीढ़ी भी। ओके ओके तब ठीक है। और एनालिसिस में कोई दिक्कत आई? आई डोंट थिंक, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब कॉन्फिडेंस एकदम रेज हो गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब कहाँ पर दिक्कत आती है स्टैटिक, अगर कोई क्या बोलते हैं स्टैट पर डिजाइन दे देगा तो कहाँ दिक्कत फंस हो गया अभी? अभी आज जैसे ये फंस रहा है ना, जैसे कि सारा बीम पास हो जा रहा है आपका 230x300 में, हाँ। कोई एक बीम है आपका जो बोल रहा है कि टाउसी मैक्स वो जाता है, तो उसमें दिक्कत हो रही है। इसका मतलब है कि वहां पर कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा,
अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम। एक बीम प्रोवाइड कर दे, वो कैसे है वहां पे बी बीम हो गया और क्या बोलते हैं कॉलम हायर हो गया, तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो तुमको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा कॉलम देखो वहां पर आसपास कहां दे सकते हो, जैसे ही दोगे 100% वो पास हो जाएगा। ठीक है, बस वो एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे कि रिलीज जो करते हैं हम लोग, हाँ वो जो पार्शियल मोमेंट रिलीज करते हैं उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। एमपीएक्स में 0.9 0.8 का वैल्यू डालना होता है ना, करेक्ट, जितना तुम ज्यादा तो जितना तुम रिलीज करना चाहो तुम्हारे ऊपर, क्योंकि पार्शियल है ना वो। वो जैसे कि वो बीम का 300 बाय 300 में पास कर गया था, करेक्ट, तो उसमें क्या था कि मुझे लगा कि वो फेल इसलिए कर रहा होगा क्योंकि मोमेंट ज्यादा आ रहा होगा, तो उस वहां पे सेकेंडरी बीम रेस्ट कर रहा था, तो सेकेंडरी बीम जो रेस्ट कर रहा था उसको रिलीज किया, लेकिन फिर भी वो कुछ हुआ नहीं, उसमें सेम ही आ रहा था, मतलब वो इसीलिए बीम पास नहीं हुई, हाँ मतलब कॉलम का जरूरत है इसका, मतलब यही ना। करेक्ट, कॉलम की जरूरत है, अगर एक एक्स्ट्रा कॉलम दे दिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा 100%। ठीक है सर, ओके गुड, चलो लगभग लगभग सबको ही कॉन्फिडेंस आ गया है, ऐसा अभी जो जैसा कर रहे हो आप उसके हिसाब से कॉलम सही है तुम्हारा, कॉलम सही है, बट एक कलर ऐसे मत रखा करो कि समझ में ना आए। ठीक है, मैं वही देखने की कोशिश कर रहा था कि पढ़ू क्या इसको। ठीक है, अब देखो ओरिएंटेशन तुम्हारा देखते हैं, आज तो ओरिएंटेशन तुम समझ जाओगे, यहाँ पर एक जगह पे कॉलम देना पड़ेगा बीच में। ठीक है, यहाँ कॉलम दे दोगे अच्छा रहेगा, स्पेन बड़ा हो रहा है। ठीक है, और ये तो सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ओके। अब आज कैलकुलेशन कर लेना आलम, कई जगह पे है इसमें चेंजिंग्स। ठीक है, और प्लान अच्छा है तुम्हारा विनीत, प्लान अच्छा है, बस वो मुझे पार्किंग का थोड़ा सा डाउट गया। ठीक है, पार्किंग का थोड़ा सा डाउट गया कि वो क्या होता, मुझे नहीं पता था ना तुम 8.5 दिए हो। ठीक है, मुझे लगा कि तुमने 6.5 दिया हुआ है, क्योंकि क्लाइंट को वही समझेगा, क्योंकि डायमेंशन तो वही लिखा हुआ है, बाकी तो एकदम परफेक्ट है। और किचन तुम्हारा ये इतना है, ओके डन, ठीक है, बाकी तो परफेक्ट है तुम्हारा प्लान, बेस्ट। और क्या बोलते हैं, लगभग लगभग सबने अच्छा किया हुआ है, अब आपका टारगेट बस एक ही है। ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ जो रेगुलर प्रैक्टिस किए हुए हैं, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंस आ चुका है। ठीक है, देखो आज विजय रावत फिर से नहीं आया ना, विजय रावत बहुत गैप कर रहे हैं। ठीक है, तो नितिन उसको बोलना कि सर बोले हैं क्लास मत मिस करो, और करेक्ट करके भेजता हूँ, ओके चलेगा, करेक्ट करके भेजना, अगर करेक्ट करके भेज लो भी नहीं तो एक काम और करना, मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, एक काम और करना, थोड़ा सा पार्किंग और दे देना। ठीक है, पार्किंग को 12 फीट कर देना, 12 फीट कर दोगे ना तो बहुत इजिली थोड़ा सा ना हो जाता है, क्योंकि वहां पर करना आसान है, एक रूम का साइज थोड़ा सा कम कर दोगे, 12 फीट की चौड़ाई जो होती है एकदम परफेक्ट रहती है। ठीक है, मतलब कैसे कि अब ऑफकोर्स वो बंगलो जैसा प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, 12 नहीं तो 11 तो कर ही देना, 12 अगर नहीं वहाँ पॉसिबल हो पा रहा है तो 11 भी कर दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलेगा, 11 कर देना कम से कम, मुझे व्हाट्सएप कर देना, भेज दूंगा तुम्हारा, अच्छा लगा प्लान मुझे, चलेगा। और सभी लोग लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और आपका जो वीकेंड का जो प्लान है वो मैं ट्यूसडे को बताऊंगा, मंगलवार को बताऊंगा कि आपको वीकेंड में करना क्या क्या है, आपका सारा प्लान मैंने कर रखा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सुबह से मैं चेक करता हूँ, सारा प्लान कर रखा है, आपको किस दिन क्या करना है। ठीक है, एक हफ्ते की आपकी छुट्टी रहेगी नो डाउट, बट एक हफ्ते का आपका प्लान है, ईटैब्स का टेस्ट है, ऑटो कैड का टेस्ट है, ऑटो और स्टैट का टेस्ट है, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे बना, कॉम्बिनेशन ऑलरेडी क्या बोलते हैं, एक ऑटोमेटिक तुम बना सकते हो स्टैट प्रो से। ठीक है, स्टैट प्रो में वहाँ पर लोड किस डिटेल में जाके वहाँ से क्लास में जो बताया है वो मेथड है। दूसरा मेथड है जैन कि क्या बोलते हैं, आपको कॉम्बिनेशन मैंने दे रखा है, उसको देख के खुद से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन की लिस्ट मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, उसको देख के भी तुम क्रिएट कर सकते हो। एक इनका व्हाट्सएप देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है। कब भेजा था तूने मैसेज यार, हेलो, हाँ मुझे बोलो। सर मैंने आपको एक फाइल मेल किया है, अगर उसमें क्या है, मैं उसे स्टैट फाउंडेशन में ले जाता हूँ ना सर, हाँ कॉलम बहुत अलग दिखाता है, जो कॉलम मैंने मतलब जो फाउंड सपोर्ट जो होते हैं हमारे फिक्स सपोर्ट हाँ, वो मैंने वो अलग लगाए हुए से हैं, ऐसे बड़े बड़े दिखने लगते हैं क्या, शेप भी अलग से दिखते हैं, और सर मतलब पोजीशन भी बहुत अलग दिख रहे हैं, कि मतलब एक मैं जैसे एक ग्रिड में मेरे 4 कॉलम है तो वहां पे 5 दिख रहे हैं, इस तरह से हो रहा ऐसा कैसे हो सकता है।
पता नहीं सर। ये इसमें तुमको जो मैंने सुभाषिस दिया हुआ है वही वाला ये है क्या? ये वो नहीं लग रहा मुझे आरसीडीसी प्लस। ये तुमको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इंस्टॉल नहीं है, ये अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। होने का रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न 80 वॉल फेल होने का रीज़न हो सकता है उसकी थिकनेस। उसकी थिकनेस जो है वो रीज़न हो सकती है अमित कुमार, ठीक है? 80 वॉल फेल करता है उसके थिकनेस की वजह से। और या फिर 2 लेयर्स कर दो, 2 लेयर्स से भी हो जाता है। फाउंडेशन में ही प्रॉब्लम है ना केवल? यस सर। सर फाउंडेशन में कॉम्बिनेशन लग जाते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन भी ले जाने होते हैं यहाँ से? जरूरी नहीं है, ले गया तो और स्ट्रेंथ ले लेगा, अगर नहीं ले जाना चाह रहे यस सर। हो तो और क्या बोलते हो जाएगा सो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना सर, कॉम्बिनेशन के ऊपर कॉम्बिनेशन लग जाएगा फिर अगर यहाँ से ले जाएंगे तो। हाँ करेक्ट है। तो क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा लगा दोगे तभी तो सही तो है क्या गड़बड़ है? पता नहीं मेरे में परफेक्ट है सर। जो पीछे वाला ग्रेड है सर उसमें 6 कॉलम वो 5 कॉलम है सर इसमें। यहाँ तो 4 ही ना? यस सर सही तो दे रहे हैं। सही दे रहा है? हाँ पता नहीं मेरे में, सो सकते हो उसकी थोड़ा अजीब सा दिखा रहा था, थोड़ा बड़े बड़े से हो। हाँ वो क्या होता है कभी कभी वो दिखा देते हैं ग्राफिक्स को जैसे, बट फिर से उसको करो सही हो जाएगा क्योंकि वो परफेक्ट कॉलम दिखा रहा है। और बड़े बड़े साइज से उसे घबराओ मतलब, डाटा तो वही दिखाएगा ना कभी कभी वो हाँ सर डाटा दिखा रहा था, पता नहीं मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ अलग दिखा रहा है। दो तीन नहीं बार मैंने खोला सेम सेम दिखा रहा है। नेक्स्ट चलेगा कोई बात नहीं, चलो आया डाउट तो चलेगा। हाँ सुभाषिश बोलो। सुभाषिश बोलो, तुम्हारी आवाज हेलो नहीं। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सही है, आरसीडी से मैंने आपके यूट्यूब वीडियो में जो लिंक दिया था नीचे वहां से हाँ डाउनलोड किया था और यूज भी किया था सर सबके लिए। अच्छा वो नेट ऑन किया होगा उसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। देखो मेरा ऑटोकैड का नहीं हो रहा है, मैं कल से परेशान हूँ, अच्छा ठीक है? कल तो उसको मैंने अनइंस्टॉल करके। मैंने प्लान किया था तुम लोग को ऑटोकैड के प्लान पे पढ़ाऊंगा, बट कैसे हुआ कि इंस्टॉल नहीं हुआ तो फिर इसलिए पीडीएफ पढ़ाना पड़ा। अच्छा सर उसे इंस्टॉल कहाँ से करते हैं थोड़ा सा बताइए। इंस्टॉल करने के लिए पहले कंट्रोल पैनल पे जाके, कंट्रोल सॉरी सॉरी सॉरी, अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल। पैनल पे जाके, हमें समझ गया इसलिए मैं वही आंसर दे रहा हूँ, अच्छा ठीक है? कंट्रोल पैनल पे जाके प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना, और वहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर्स में आरसीडीसी करके लिखा रहेगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करना, अनइंस्टॉल। जब आरसीडीसी अनइंस्टॉल करना वहाँ पर एक और फाइल होगी पोस्ट एसक्यूएल करके, उसको भी अनइंस्टॉल कर देना। पोस्ट एसक्यूएल, पोस्ट POST SQL SQL अच्छा उसको भी इंस्टॉल कर देना, और RCDC नाम की एक होगी उसको भी कर देना, दोनों करके तब करना। अच्छा कंट्रोल पैनल में जाके तो अच्छा कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम एंड फीचर्स अच्छा ठीक है सर। चलेगा, चलो होप सो सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। मंडे को हम लोग मिलेंगे, ई टैब्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि वीकेंड पे मैं जब आपको लाइक लिख दूँ तो कम से कम आप छोटे छोटे जनरल चीज़ें पढ़ के रखो, ज़्यादा आपको दिक्कत ना जाए, और फिर आए तो फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तब उसके बाद करेंगे। हाँ मन बोलो। सर मेरे 2-3 डाउट है सर। आपने पढ़ा दिया लेकिन सर थोड़ा रिवाइज करवा तो दीजिएगा करो ना। सर एक तो सर ये पिन सपोर्ट कहाँ लगाते हैं हम पिन सपोर्ट बिल्डिंग में ज्यादातर यूज जैसे? नहीं अच्छा करते हैं। नहीं सर आप जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पर पिन सपोर्ट लगा दो अगर ये फेल हो रही है बीम, तो ये हाँ मतलब हमें किस ये तरह से कैसे नीचे सॉफ्टवेयर, कॉलम लगाना पड़ता है इसके लिए अलग से नहीं या नहीं फिर नहीं कैसे? पिन सपोर्ट लगा दिया मतलब कि सॉफ्टवेयर को समझ में आ जाता है कि इस लोकेशन पे रेस्ट करेगा, ठीक है? रेस्ट करने के लिए होता है। बाकी पिन सपोर्ट होता है स्टील स्ट्रक्चर के लिए, जो वेयर हाउसेस वगैरह होते हैं उनके सब में पिन सपोर्ट सकते हैं। जो तुमने देखा होगा मैंने जो वेयर हाउस किया होगा उसमें पिन सपोर्ट ही तो लगाया उस पर होगा। कॉलम तो होना जरूरी है ना सर? किसमें? आप उसमें तो लगाए थे सर, हाँ जैसे हमें पिन सपोर्ट कहीं देना है तो वहाँ कॉलम तो होना जरूरी है ना सर, कॉलम होना जरूरी है? नहीं सबसे सब नीचे ही तो लगाएंगे नहीं, सर। नहीं 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 सबसे नीचे तो फिक्स सपोर्ट ही हमेशा लगेगा। वो तो मैंने बोला कि जो कैंटिलीवर कोई सेक्शन वो फेल कर रहा है आरसी डिजाइनर के अंदर, वहाँ एक पिन सपोर्ट लगा दो तो पास हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये स्टेबल है स्ट्रक्चर कॉर्नर पर कॉर्नर पे। कभी देखो उसने जहाँ भी लगाया था, फिर सुभाषिस ने लगाया था। और अच्छा बताओ। सर ये हिडन बीम जो डालते हैं सर वो हाँ हिडन बीम उसका सॉफ्टवेयर कंसेप्ट के क्या अंदर था? डालने की जरूरत नहीं है। हिडन बीम को जब डिटेल करते हैं तो उस समय ड्रॉ कर देना चाहिए कि यहाँ पर एक बीम जैसा ड्रॉ कर दिया स्लैब के अंदर, ठीक है? तो वो उसको समझ जाएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर उसको कंसीडर करेगा बीम की तरह, तो उसको डेप्थ कम लगेगा, वो फेल दिखाएगा। तो वो सर एक्स्ट्रा उसकी सेफ्टी के लिए डालते हैं क्या एक्स्ट्रा के लिए सेफ्टी के डालते लिए हैं? डालते हैं। एक्स्ट्रा सेफ्टी इन द सेंस जैसे कि तुम्हारा बाथरूम का कोई वॉल है,
ठीक है, तुम चाहते हो कि उसका इफेक्ट जो है मेरे स्लैब पर ना पड़े तो हिडन बीम डाल दो, तो उसके ऊपर रेस्ट कर जाता है ज्यादातर। अब बात करूंगा किचन के लिए, ठीक है। बोलो। अच्छा ठीक है सर। सर सेकेंडरी बीम में जो मोमेंट रिलीज आपने बताया था, ये हमें हमेशा करना है हर जगह जहां भी बीम आए, सेकेंडरी बीम आए हर जगह, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो लोड है सही से ट्रांसफर हो और प्राइमरी बीम का मोमेंट सेकेंडरी बीम पे ना जाए, सॉरी सेकेंडरी बीम का मोमेंट प्राइमरी पे ना जाए, तो फिर आपको हमेशा करना चाहिए। अच्छा सर, ये ग्रेट स्लैब का जो बताया था आपने कंसेप्ट, ये नहीं समझ में आता। कौन सा ग्रेट स्लैब? ग्रेट स्लैब जो बना देते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं ग्रेट स्लैब में, स्टार्ट प्रो में। कब बताया था? अभी आज नहीं, लेक्चर में बता रखा है सर, 34 या 32 में। ग्रेट स्लैब पूरा आगे पीछे डायफ्राम, ग्रेट स्लैब शायद, ग्रेट स्लैब डायफ्राम, डायफ्राम, ग्रेट स्लैब। अच्छा, मास्टर स्लैब के बारे में पढ़ा होगा। मास्टर स्लैब, मास्टर स्लैब के बारे में पढ़ा होगा। मास्टर स्लैब से क्या होता है, सीजी एक हो जाती है आपके स्ट्रक्चर्स की। सीजी एक होने से क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम हो जाता है स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो लगा सकते हैं उसको, अच्छा होता है उससे स्ट्रक्चर, और क्या बोलते हैं, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो उसको तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, मेरे को तुमसे असाइनमेंट भी याद है। हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो सर। ये लास्ट ये था कि पार्शियल रिलीज और फुल रिलीज में सर क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, फुल रिलीज मतलब ये होता है कि क्या बोलते हैं, तुम्हें अब तुम्हारा एज हो चुका है और क्या बोलते हैं, अब तुम्हारी रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, तो तुम्हारे बच्चों ने बोला कि अब अपना पूरा धन मुझे दे दीजिए, अब आपको धन की क्या जरूरत है, टाइम आ चुका है। ठीक है, ये हो गया फुल्ली रिलीज हो गया। ठीक है, और आपने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आपने बोला कि नहीं नहीं फुल्ली क्यों रिलीज होना, थोड़े बहुत पैसे अपने पास रखने चाहिए। ठीक है, पता नहीं बच्चों का क्या क्या दिमाग उनके चल रहा हो। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं पार्शियल रिलीज, मतलब कुछ आपने रख लिया, बाकी रिलीज कर दिया, बाकी सब दे दिया। एक तरह मतलब सेफ्टी है पार्शियल रिलीज में। पार्शियल रिलीज में थोड़ी सी सेफ्टी है कि क्या बोलते हैं, भाई हमने थोड़ा रख लिया है, 10% रख लिया है, मतलब 85% डोनेट कर दिया। ठीक है, और रिलीज में मतलब तुम पूरा ही डोनेट कर दिए, वो खाना देंगे तो खाओगे, नहीं देंगे तो घर में बैठोगे। और बताओ? बस सर यही। ठीक है, बोल रहा सर टिकट कटवा दिए, अब क्या पूछू रहा तो। चले, ओके, चलो ठीक है, होप सबको क्लियर हो गया होगा। और क्या बोलते हैं, हाँ एक असाइनमेंट्स और है आपका छोटा सा। वो असाइनमेंट्स ये है कि जैसे आप लोगों ने स्टेट प्रो पे पढ़ा था ना, सारे लेक्चर्स को एक आपने सीट तैयार किया था कि हमने किस लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ है, ऐसे ही आपने अभी जो अपने लाइव बैच में जो पढ़ा हुआ है, वो लाइव बैच को स्टार्ट टू एंड एक चार्ट बनाना है। ठीक है, मंडे को आप सबमिट करना है, बहुत अच्छा एक बच्चे ने बनाया हुआ है, देख लो, आपको ऐसा ही बनाना है। आपको बहुत हेल्प हो जाएगी उससे, पूरा लेक्चर रिलीज हो जाएगा और आपका सैटरडे संडे भी यूटिलाइज में आ जाएगा। क्या करना है, ये देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा हुआ है अभी तक में अपने गुरुकुल वाले क्लासेस में। ठीक है, उसका एक पूरा लिस्ट तैयार कर लो, उससे क्या होगा आपको रिवीजन करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, मंडे को सबको ये करना है, ठीक है, लेक्चर वॉच करने के बाद। ठीक है, क्योंकि लेक्चर तो वॉच करोगे ही। ठीक है, ऑटोकैड का आपने स्टेट प्रो का आपने कर ही लिया हुआ है। अब लाइव क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो लाइव क्लासेस में आपने ऑटोकैड पढ़ा पहले दिन। ठीक है, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था ना ऑटोकैड का, फिर आपने क्या पढ़ा था, रेरा के रूल्स पढ़ा था। ठीक है, आप इतना डिटेल में अगर नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन हेडिंग के तौर पर आप जितना बेहतर आप कर पाओ। ठीक है, दूसरे लाइव क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा, तीसरे लाइव क्लास में हम लोगों ने बिल्डिंग बाय लॉस पढ़ा, चौथे में मतलब ये क्या बोलते हैं, ये बीम का है ये। ठीक है, चौथे में भी बिल्डिंग बाय लॉस ही पढ़ा। ठीक है, पांचवें में हाउ टू रीड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स उसके बारे में पढ़ा, छठवें में चेकलिस्ट फॉर वर्किंग ड्राइंग पढ़ा, सातवें में वर्किंग ड्राइंग का चेकलिस्ट, ये आप लोगों ने भी यही पढ़ा हुआ है, फिर एलिवेशन ड्राइंग का चेकलिस्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू के 86 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे, वो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े। फिर उसके बाद देखो इसने कितना बेहतरीन किया हुआ है। ठीक है, और इसका सिलेक्शन पक्का है क्योंकि इसको पूरा याद हो गया है कि किस सेक्शन हमने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बेसिक टिप्स फॉर आरसीसी डिज़ाइन पढ़ा, फिर उसके बाद वास्तु के रूल्स पढ़े थे, फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़े थे। ये टोटल 12 लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़े थे, किसके लिए, ऑटोकैड में। उसके बाद रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स पढ़ा था। ठीक है, फिर बीम के बारे में, ये बीम का लेक्चर है ना इसका, तो इसने बीम के बारे में पढ़ा, फिर इसको फाउंडेशन के बारे में पढ़ाया गया था, फिर इसको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, ठीक है, बीम में भी इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद पढ़ लेना बीम, उसके बाद स्कैन टू बीम बारे में पढ़ने पढ़ाया उसको, फिर पॉइंट क्लाउड पढ़ाया मैंने उसको, फिर पॉइंट क्लाउड मॉडलिंग पढ़ाया मैंने उसको, फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, कौन सा वर्क कैसे करते हैं, प्लास्टर वगैरह कितने का देते हैं, फिर रैबिट आर्किटेक्चर का नोट्स इनको दिया मैंने, फिर प्रीकास्ट पढ़ा। अब देखो अगर इस बच्चे को रिविजन करना कितना आसान हो गया ना,
ठीक है, फिर उसके बाद स्टडी ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपेरेंट कंक्रीट, फिर उसके बाद एक्सटीरियर बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। इसने टोटल 23 लेक्चर्स अब तक में वॉच किए हुए BIM में, ठीक है, अप्रॉक्स 23 लेक्चर ही आपका भी हुआ है। तो किस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा हुआ है, रिकॉर्डिंग आपके पास है, ठीक है, जो गूगल मीट पे पढ़ते हैं वो तो अलग है, उसको छोड़ देना, ठीक है, ये 23 आपके जो ऐप पर पढ़े हो ये है। तो इन फ्यूचर जब कभी भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, किसी एक पोर्सन में डाउट आ रहा है, फट से उस पोर्सन को जाओ और रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये सबको करना है, ठीक है, और इसको करके मंडे को इसको आपको सबमिट करना है। तो कुल मिला के आपकी ऑटो कैट की और स्टेट प्रो की पैकिंग हो जाएगी कि भाई मैंने ऑटो कैट और स्टेट प्रो के रिलेटेड क्या क्या पढ़ लिया, मुझे सब पता है, ठीक है। तो ये सबको करना है और करके इसको मंडे को आप दीजिएगा, देखेंगे कौन कौन किया, उसे एक आइडिया भी लगेगा कि हमने किसी ने अगर लेक्चर वॉच नहीं किया वो लिख ही नहीं पाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसका पूरा लेक्चर ही वाइज हो जाएगा, ठीक है। ऑटो कैड में बीम का डिटेलिंग ने बताया था सर आपने, ओके बता देंगे भाई, बता देंगे, डोंट वरी, अभी बीम और फुटिंग दोनों बचा हुआ है, मुझे याद है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये लिस्ट तैयार करना है मंडे को, और उसके बाद इससे आपको पूरा रिविजन हो जाएगा ऑटो कैड और स्टैट प्रो। अब जब ये दोनों परफेक्ट हो गया तब हम लोग चलेंगे ई टैप्स में मंडे के दिन से, ठीक है, सभी लोग करके आइएगा, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे हम, और ये हम लोग ई टैप में भी करेंगे और आगे के जो सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उसमें भी करेंगे, क्लियर। चलो कोई डाउट है, किसी कुछ पूछना है पूछ लो, ठीक है, नहीं पूछना है ठीक है, जाओ आराम करो, लेकिन ये आपको करना है कि आपने लाइव लेक्चर में अब तक में कब तक क्या क्या पढ़ा, किस किस लेक्चर में, सब पूरा एक तरफ रिविजन कर लेना सैटरडे संडे में। बाकी नया तो कुछ दिया नहीं है, प्रोजेक्ट कुछ दिया नहीं है, ठीक है, बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स और डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी SP34 बचा हुआ है, डोंट वरी, अभी मैं आपको SP34 पढ़ाऊंगा जो कि डिटेलिंग का ही IS कोड है, ठीक है, तो डोंट वरी, अभी बचा हुआ डिटेलिंग वाला, आई विल टेल यू, डोंट वरी, बता दूंगा, चलेगा। चलो ठीक है, फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे विथ लिस्ट एंड कंप्लीट स्टैट प्रो लेक्चर्स, ठीक है। और अगर कोई ETAPS इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है तो 2016 वाला करना, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। बाकी आपका मन है हायर भी कर लोगे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट 2016 बेस्ट है एज पर लाइक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक। चलो